हमारे आज के मेहमान सुशील दोषी जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जिस देश में क्रिकेट को धर्म माना जाता है, उसी क्रिकेट की हिंदी कमेंट्री का जनक आपको माना जाता है। आप अपने आप में एक संस्थान है, और जिस ज़माने में टेलीविज़न कभी नहीं थे, उसी ज़माने से आपने आपके आवाज़ और आपके परिश्रम से क्रिकेट को घर घर पहुंचाया और उस समय के क्रिकेटरों को एक पहचान दिलाई। आज यहाँ इस मंच पर खड़े होकर प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्री सुशील दोषी जी का परिचय देना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज़ ही पहचान है। ताज हरी महल, प्रभा खेतान फाउंडेशन और यहाँ बैठे सभी श्रोताओं से की तरफ से आपके तहे दिल से स्वागत करते हैं, और यहाँ बैठे सभी दर्शकों की तरह अपने अद्भुत और दिलचस्प जीवन के बारे में और जानने को उत्सुक हो, आपका एक बार फिर से सूर्यनगरी में स्वागत है। कलम श्रृंखला के इस संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जोधपुर के साहित्य जगत में अपनी पहचान बना चुके प्रभा खेतान फाउंडेशन के प्रयास कलम को प्रस्तुत कर रहे हैं प्रायोजक श्री सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ताज हरी महल और हम एहसास वुमेन ऑफ जोधपुर, सुषमा नीरज सेठिया, शैलजा सिंह और मैं प्रीति मेहता। प्रभा खेतान फाउंडेशन भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने सहित विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों से जुड़ा है। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, हम हिंदी में कलम के अलावा इंग्लिश में राइट सर्कल, उर्दू में लव्स, मारवाड़ी में आखर, एक मुलाकात, सुर और साज जैसे कई कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष आते हैं। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच हैं भारतीय पत्रकार, लेखक, खेल कमेंटेटर पद्मश्री श्री सुशील दोषी साहब। हिंदी कमेंट्री के जनक के रूप में हर क्रिकेट प्रेमी आपको जानता है। आप हिंदी में क्रिकेट का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अति प्रसिद्ध हैं। 500 से अधिक एक दिवसीय क्रिकेट मैच, 90 से अधिक टेस्ट मैच और 10 क्रिकेट विश्व कप में क्रिकेट का आंखों देखा हाल आपने सुनाया है। क्रिकेट की कमेंट्री को माध्यम बनाकर क्रिकेट को जन जन तक पहुंचाने का काम आपने किया है। खेल का गहन ज्ञान ऐसा कि आपका वचन ही सैकड़ों मील दूर से सुनने वाले लोगों के लिए परम सत्य हो जाता है, और रोमांचक कहानी बुनने की जो में भी उतने ही माहिर। मैदान में बॉल बाय बॉल विवरण सिर्फ शाब्दिक ही नहीं, रेडियो कमेंट्री के जादूगर श्री सुशील दोषी जी ने अपने श्रोताओं के लिए अपनी जादुई शैली से मैदान पर हो रही कार्रवाई को हमेशा जीवंत किया है। दोषी साहब अपनी जीवन आवाज़ की पिच और स्वर के पर्याप्त नाटकीय प्रभाव और विगमता के से खेल के रहस्य को चरित्र कर श्रोताओं के एड्रेनलिन को दौड़ाने में कामयाब होते हैं। तो आइए अब बिना समय व्यर्थ करें, हम श्री सुशील दोषी साहब से रूबरू होते हैं। उनसे आज बातचीत करेंगी एहसास वुमेन ऑफ इंदौर सुरभि धुपड़। सुरभि इंदौर के एक प्रमुख खेल प्रेमी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो मध्य भारत के सबसे स्थापित क्लबों में से एक इंदौर टेनिस क्लब नामक संस्था चलाते हैं। खेलों के बारे में उनका ज्ञान उन्हें सुशील जी के कद के व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आप दोनों का इस मंच पर पधारने के लिए। ओवर टू यू सुरभि। किसी ने खूब कहा है, विरासतों से तय नहीं होते किस्मतों के फैसले, विरासतों से तय नहीं होते किस्मतों के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। ऐसी ही उड़ान हमारे बीच बैठे सुशील दोषी जी ने भरी और आसमान तक को छू लिया और अपना एक नया खुद का मुकाम तय किया। क्या आपने यह कल्पना की है कि क्रिकेट में कमेंट्री नहीं होती तो क्या होता? हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये सोचकर ही हमें कितना फीका लगता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाया सुशील दोषी जी ने और इस पर काम किया हिंदी कॉमेंट्री स्टार्ट करके। मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने क्रिकेट कॉमेंट्री हिंदी में करने का सोचा? सर,
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का वो वाक्य तो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा ना, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे 11 मूर्ख खेलते हैं, 50,000 मूर्ख देखते हैं, 2 मूर्ख कमेंट्री करते हैं और करोड़ों मूर्ख सुनते हैं। तो ये ऐसे जमात के एक व्यक्ति को आपने स्वागत के लिए बुलाया, इसका मतलब ये है कि आप लोग जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इस वाक्य से सहमत नहीं हैं, जैसा कि मैं भी नहीं हूँ। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपका क्रिकेट प्रेम और आपका हिंदी भाषा के प्रति प्रेम और साहित्य और संस्कृति के प्रति प्रेम, ये सब जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे मालूम राजस्थान वीरों की भूमि तो है ही, लेकिन संस्कारों की भूमि भी है। और मैं खुद राजस्थान का हूँ, शायद कई लोगों को मालूम नहीं है, मैं चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ राजस्थान में मेरा जन्म हुआ। और जब भी लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आपकी आवाज़ में मिठास कहाँ से है, तो मैं ये कहता हूँ राजस्थान की मिठास है। अब आपने जो प्रश्न पूछा मुझसे कि कमेंट्री कैसे शुरू हुई, देखिए बचपन से मैं क्रिकेट का बड़ा दीवाना था और खिलाड़ियों के फ़ोटो इकट्ठे किया करता था अपने एल्बम में। और मध्यम वर्गीय परिवार से थे, पहले देखिए बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते भी नहीं थे, माता पिता बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते थे और आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। और मैं फ़ोटो इकट्ठे किया करता था अखबारों में कटिंग काट काट के। अब एक बार ऐसा हुआ, 1959-60 की बात है, कि ऑस्ट्रेलिया के रिची बेनो की टीम भारत आई और मैंने अपने पिताजी से जिद की कि भाई मैं कुछ भी हो जाए मैं तो ये टेस्ट मैच देखूंगा। अब देखिए मध्यम वर्गीय परिवार, हम चार भाई हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे सब, इतना खर्च उठाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन कहते हैं ना कि पिता चीज़ ही ऐसे होते हैं कि वो, उन्हें क्रिकेट से प्यार नहीं था लेकिन अपने बेटे से प्यार था। वो मुझे बम्बई ले गए और उनको पता नहीं था कि 50,000 लोग अगर मैं अंदर बैठे हैं तो 50,000 लोग बाहर खड़े रहते हैं अंदर घुसने की कोशिश में। तो वो हम लोग पिता पुत्र 4 दिन तक स्टेडियम ब्रेबोन स्टेडियम के, तब ब्रेबोन स्टेडियम पर मैच होता था वानखेड़े में, तो बाद में 1975 के बाद हुआ, ब्रेबोन स्टेडियम के बाहर 4 दिन तक हम पिता पुत्र चक्कर काटते रहे। 4th दिन एक पुलिस वाले ने हमें देखा, उसने पहचान लिया कि ये 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं। उसने कहा कि अरे क्या साहब, जुगाड़ नहीं हुआ क्या? तो बाबूजी ने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन बेटे का दिल टूट जाएगा, ये इंदौर से हम लोग आए हैं और 4 दिन से कोशिश कर रहे हैं। तो उसने कहा कि एक काम करता हूँ, ये जैसे ही चाय पान का रेला जो बाहर आता है ना चाय पान के समय, जब वापस अंदर जाएंगे तो मैं इसको अंदर ठेल दूंगा, लेकिन आपको बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। अब मैं देखे तब 13 वर्ष का था, मेरे मन में इतनी संवेदना ही नहीं थी कि आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहेंगे, और मैं फुदकता हुआ अंदर चला गया खुशी से। और अंदर जा मैंने देखा उन लोगों को जिनके मैं फ़ोटो इकट्ठे किया करता था, नॉर्मन ओनील को देखा, नील हार्वे को देखा और लिंडवॉल को देखा, रिची बेनो को देखा, तो ये तमाम खिलाड़ियों को देखा, तो आंखें ऐसी भर आई और विस्फारित हो गए नेत्र। तब मेरी नज़र ऊपर कमेंट्री बॉक्स पर पड़ी, वहाँ पर मैंने पूछा लोगों से कौन कमेंट्री कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बॉबी तलियार खां और विजय मर्चेंट कमेंट्री कर रहे हैं। तो मैंने देखा कितनी अच्छी जगह है कि बिल्कुल विकेट की लाइन में है, गेंद की हर मूवमेंट वहाँ से दिखाई दे रहा है, गजब की जगह है। तो मेरा क्या काश कभी यहाँ से कमेंट्री करने का मौका मिल सकता है। देखिए कई बार क्या होता है कि जंगली सपने भी कैसे सच होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला टेस्ट मैच 1972-73 में उसी ब्रेबोन स्टेडियम से उसी कमेंट्री बॉक्स से किया। सुशील जी, आप 10 विश्व कप मैचों में कमेंट्री करने वाले देश के पहले कमेंटेटर हैं और आपको भारत सरकार द्वारा 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया और आप देश के पहले ऐसे कमेंटेटर हैं जिनके नाम पर अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में, कमेंट्री बॉक्स का नाम पूरा आपके नाम से रखा गया, सुशील दोषी कमेंट्री बॉक्स। इतनी सारी उपलब्धियां हैं आपकी, कैसा महसूस करते हैं आप आज? ये सब चीज़ें जो है ना, ये आदमी को बहुत विनम्र बनाती हैं। देखिए कई बार मुझे लगता है कि शायद मैं इसका हकदार हूँ भी या नहीं हूँ। और अब सबसे बड़ी बात कि आप उन लोगों को याद करते हैं जो
आपके लिए इस आधार बनते हैं कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे। आप अपने माता पिता को याद करते हैं, आप अपने बचपन के दोस्तों को याद करते हैं, आप उन तमाम लोगों को याद करते हैं जिन्होंने किसी न किसी मुकाम पर आपको मदद की है। और जो पद्मश्री की जो बात की ना, सच बताता हूँ कि जब वहाँ पर नाम पुकारा गया, पहले रिहर्सल तो होती है, लेकिन जब नाम पुकारा गया ना, तो हम लोग फुटवर्क की तो बहुत बात करते हैं कि फुटवर्क ऐसा होना चाहिए और फुटवर्क वैसा होना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने नाम पुकारा और राष्ट्रपति तक जाने के जो 15-20 कदम होते हैं, उसमें फुटवर्क ऐसा लड़खड़ा गया कि मैं आपको कह नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा पुरस्कार, इतने सारे देश के तरफ से पुरस्कार मिलता है ना, तो आप बहुत भावुक हो जाते हैं। आपको लगता है कि जीवन जैसे सफल हो गया। मैं कई दफ़े सोचता हूँ कि सुशील दोषी की ज़िंदगी में से अगर क्रिकेट कमेंट्री निकाल दें तो उसमें बचता क्या है, कुछ भी नहीं बचता। तो मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ जिसको मैं दिल से प्यार करता हूँ, जिसका जिससे मेरा लगाव रूहानी है लगभग, जिसके सपने में दिन रात देखता रहा और जिसके लिए इतना सम्मान अगर मिला, तो मैं समझता हूँ कि ये देश ने जो पहचाना, इन देश के लोगों को। देखिए हिंदी कमेंट्री में बताता हूँ कि FPS सिस्टम का खेल है क्रिकेट, आप तो जानते हैं, 22 यार्ड्स का खेल है, 22 गज का खेल है, फुट पाउंड सेकंड वाला खेल है, ब्रिटिश खेल है। इसको हिंदी में जब शुरू में कमेंट्री करने गए थे ना, तो इतनी आलोचना हो रही थी कि अरे हिंदी में भी कोई कमेंट्री हो सकती है अंग्रेज़ी खेल की, लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, बहुत आलोचना करते थे। लेकिन उसी खेल जब हमने शुरू किया हिंदी में और उसकी शब्दावली बनाई और लोगों में जन जन में फैलाया, दिलों से महसूस हो करके लोगों के दिलों में घर करने की जो योजना बनाई और जिस तरह से हम कामयाब हुए, उससे मुझे लगता है कि ये उन लोगों का ज़्यादा धन्यवाद, जो कि जो लोग कहते हैं भारत के लोग ग्रहण नहीं करते जल्दी से, लेकिन हिंदी कमेंट्री को उन्होंने हाथों हाथ ऐसे ग्रहण किया और उनके कारण ही आज जो मुकाम है देश भर में, विदेशी चैनलें भी अंग्रेज़ी के बजाय हिंदी में ज़्यादा कमेंट्री करा रहे हैं, उसकी TRP ज़्यादा है अंग्रेज़ी के मुकाबले। जैसा कि आपने अपनी किताब आंखों देखा हाल में वर्णन भी किया कि पान की दुकान पे आपकी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री सुनने के लिए 500-500 लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी, ये समा था और ये आपकी हिंदी कमेंट्री का जादू था। नहीं, वो सही बात है, उस समय क्या था, अंग्रेज़ी में कमेंट्री तो होती है, मतलब टेलीविज़न तो था नहीं, कमेंट्री रेडियो पर ही होती थी और रेडियो भी ऐसे थे कि कभी आवाज़ आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी उसका एंटेना ठीक कर रहे हैं, कभी बाएँ मोड़ रहे हैं, कभी दाहिने मोड़ रहे हैं, तो ऐसे रेडियो पर कमेंट्री आती थी और फिर भी लोग कान लगाकर सुनते थे, आपके एक एक वाक्य एक एक शब्द को ध्यान से सुना जाता। आजकल क्या होता है, हम आते जाते रहते हैं, स्कोर देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते। पहले आपने एक अच्छा वाक्य बोला तो शाम तक कम से कम 500 चिट्ठियां आकाशवाणी में चली जाती थी कि आज ये अच्छा बोला, आपने एक गलती की तो 1000 लोग आपको, गलतियां ढूंढने में तो हम भारतीय बहुत माहिर हैं, जैसे ही गलती की तो 1000-2000 लोग एकदम लिख देते थे कि ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत कमेंट्री हुई है। तो जैसे मुझे याद है कि एक हमारे मित्र कमेंटेटर हैं, उनसे एक भूल हो गई थी, विश्वनाथ ने शतक लगाया कानपुर में, अपनी ज़िंदगी का पहला शतक, और उनके मुँह से निकल गया कि विश्वनाथ के शतक पर सारे दर्शक खड़े होकर तालियाँ बजाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश के कम से कम 5-10 हज़ार चिट्ठियाँ आ गई आकाशवाणी, तब इतने जागरूक हुआ करते थे श्रोता और इतने संवेदनशील होते थे कि ये क्या हो रहा है, किस तरह की बातें हो रही, तो तमाम। और एक वाक्य आपको शुरू में बताता हूँ, 1969 में जब मैंने तो 1968 में कमेंट्री की शुरुआत की थी, 1969 में एक सज्जन के साथ जो बाद में बहुत मशहूर, नाम नहीं लेना चाहता, वो उनको क्रिकेट का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, तो वो पूरा लेकर आते थे अपना नक्शा बना कर के, दो स्लिप एक गली ऐसा नक्शे में देखकर पूरा बोलते थे, एक कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, मिड ऑफ, जो भी। अब क्या हुआ, वो उनको मालूम नहीं था कि ओवर के बाद दूसरी तरफ से गेंद होने वाली है, तो आप समझ लीजिए वो घबरा गए। उन्होंने लाला अमरनाथ हमारे वो एक्सपर्ट थे, उनको कहा कि लाला जी ये क्या हो रहा है, ये थर्ड मैन से बॉलिंग क्यों कर रहा है। तो ऐसे भी दिन क्रिकेट हिंदी के क्रिकेट कमेंट्री ने देखे, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को सहन करते हुए, तमाम आलोचनाओं को वहन करते हुए, आखिर आज क्रिकेट कमेंट्री ने, हिंदी की क्रिकेट कमेंट्री लोगों के मन में वो मुकाम बना लिया है जहाँ से
उसे पर्याप्त इज्जत दी जा रही, और मैं समझता हूँ कि हम लोगों का जो भी योगदान रहा, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं, लेकिन उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने तमाम गलतियों के बावजूद भी, तमाम कमियों के बावजूद भी देश की भाषा को वो सम्मान दिया। हम सबके जीवन में कोई ना कोई बहुत अहम भूमिका निभाता है, और आपके माता पिता का आप पर बहुत प्रभाव रहा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको आपके माता जी ने ज़्यादा प्रभावित किया या पिताजी ने, और आप किसको अपना मेंटोर मानते हैं? देखिए, दो बातें होती हैं। देखिए, आप हम सभी के घरों में होती है, आपके घर में भी यही होता होगा। माँ जो होती है वो संस्कार प्रदान करती है, आपको बताती है कि धर्म कैसे स्वीकार करना, मंदिर जाना, सुबह सुबह रोज उठते ही नवकार मंत्र गिनना अगर आप जैन हैं और दूसरी जाति के हैं तो कोई और, तो ये तमाम जो संस्कार प्रदान करती है ना, कपड़े पहनना, समय पर स्कूल जाना, तैयार करना, अच्छा खाना खाना, ये सब चीज़ें माता आपको संस्कार देती हैं। और ज़माने से लड़ने की जो ताकत देता है वो पिता देता है, कि ज़माने की निष्ठुरता से, ज़माने की प्रतिस्पर्धा से निपट कर कैसे आगे बढ़ना, ये पिता आपको बताता है। तो दोनों के रोल आप कभी भी अलग नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पिताजी का ये था कि अथाह प्यार, पता नहीं उनको क्यों लगता था कि हमारे, जो हमको लगता था कि हम बहुत ही मामूली विद्यार्थी हैं, लेकिन उनको लगता था कि हमारा ये टेढ़ा माका चलने वाला दुबला पतला लड़का एक दिन बड़ा नाम कमाएगा। पता नहीं ये माता पिता को क्यों रहता है ऐसा कि अपने बच्चे पर बड़ा विश्वास रहता है। तो ये विश्वास मेरी माँ को तो बहुत था, कि उनको लगता था कि ये लड़का जो है ना, जिसको सब बहुत कमज़ोर समझते हैं। देखिए, हम चार भाई हैं और चारों इंजीनियर हैं, तीन एमटेक हैं, मैं ही सबसे कमज़ोर, मतलब मैं खाली बीई हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, शक्ल से भले ही नहीं लग सकता हो कि पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ तो इंजीनियर हूँ मैं भी। तो उनको लगता था कि ये जो कमज़ोर लड़का है ना, ये हमारे घर की स्थिति को सुधार लेगा, हमारे मामूलीपन को अच्छेपन में परिवर्तित कर देगा। और देखिए, उनका माँ जब सोचती ना शिद्दत के साथ, तो वो काम पूरा हो जाता है। आज हमारे यहाँ आज 80 आदमी काम करते हैं, तो ये एक उनका सपना पूरा ही होता है एक तरह से जी। और शुरू में एक जो आपने पूछा था वो बात ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, कि जब मैं, देखिए मैं 18 साल का था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, और तब शुरू हुआ कि भाई हिंदी कमेंट्री शुरू होनी है जी। पहली बार देश में, और तब आकाशवाणी ने ज़ोर शोर से ढूंढना शुरू किया कि कौन कमेंट्री कर सकता है। सभी ने कहा कि पागलपन है, हिंदी में कोई कमेंट्री हो सकती क्या, क्रिकेट जैसे खेल की। तो खैर, मैं पहुंच गया एक दिन, बिल्कुल हाफ पैंट पहन के ही आकाशवाणी में पहुंच गया मैं, लड़का ही था, पहुंच गया। मैंने कहा मैं आई कैन डू कमेंट्री, मैं क्या अंग्रेज़ी कमेंटेटरों की नकल किया करता था घर में। तो उन्होंने पहले तो मुझे देखा नीचे से ऊपर तक, और फिर मुस्कराए और फिर कहा कि Simply get out, put on some grey hairs and then come. थोड़ा सफ़ेद बाल तो लाओ भाई, ऐसे थोड़ी कॉमेंट्री हो सकती है। लेकिन फिर आखिरकार ये हुआ कि कोई मिला ही नहीं, कोई कॉमेंट्री करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, और दिन आ गया जिस दिन कॉमेंट्री की शुरुआत होनी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि वो पागल सा लड़का आया तो ढूंढो भाई, उसी को पकड़ो। तो मुझे ढूंढ निकाला गया, मैं पहुँचा, उन्होंने कहा आप कॉमेंट्री, इमेजिनरी कॉमेंट्री करके बताइए। तो मैंने काल्पनिक कॉमेंट्री करके बताई अंग्रेज़ी में, तो उनको बड़ी अच्छी लगी, बोले लेकिन हमको तो हिंदी में कमेंट्री करनी है। अब हिंदी में कमेंट्री तो मैंने कभी सुनी नहीं थी, फिर हिंदी में मैंने करके बताई तो अच्छी तो नहीं की होगी, लेकिन उनको लगा कि काम चल जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई देखो हमारी इज्जत रख लेना, ठीक ठाक ही करना। तो मैंने शुरू कर दी, वहाँ से शुरुआत हुई, बहुत आलोचना हुई, और बाद में फिर अपनी शब्दावली बनाई, उसी से आज जो कितनी सारी शब्दावली आप जानते हैं, आप लोग अगर कमेंट्री सुनते हैं इतने सालों में, जितनी शब्दावली मैंने क्रिकेट को दी हिंदी में शायद ही किसी ने दी हो, जैसे शंका का गलियारा, जैसे कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी को, या स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और स्क्वायर कट कर दिया चार रन के लिए, यू नो, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये पहले थी ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं था। और बहुत बड़ी किस्मत है कि मैंने किसी की हिंदी कमेंट्री सुनी नहीं थी, अगर सुनता तो मैं तो मामूली विद्यार्थी था, शायद नकल करने बैठ जाता। किसी की नहीं सुनी थी तो फिर अपनी भाषा, अपने शब्द खुद बनाने पड़े, और इसी कारण आज हिंदी कमेंट्री को ये रूप मिला। इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, है ना। इसमें एक किस्सा मैं आपसे सुनना चाहूँगी, जो आपने अपने दो दोस्तों का नाम इसमें इस्तेमाल किया, केवल और संतोष, वो आपसे सुनना चाहूँगी मैं।
देखिए, अपन छोटे गांव मालवी और जो राजस्थान के लोग होते हैं तो जब घर से बाहर जाते हैं तो अपना खान पान, अपने दोस्त, इनको काफ़ी मिस करते हैं। तो मेरे दो दोस्त हैं, संतोष और केवल करके दो। तो मैंने कहा क्या करूं, इनकी याद आती थी, रोज़ शाम को हम यहाँ घूमने जाते थे। मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था 3 महीने के लिए, तो क्या करूं। तो मैंने एक वाक्य बनाया कि यूँ तो 3 रन हो सकते थे लेकिन केवल 1 रन के साथ संतोष किया, तो केवल और संतोष दोनों के नाम उसमें आ जाते थे। तो आज तो हर कमेंटेटर केवल 1 रन के साथ संतोष कर रहा है, सभी नकल कर रहे हैं। तो वो नाम उस समय आपने अपने दोस्तों को साथ में फेमस कर दिया। फेमस तो क्या, अपने आप को भी संतोष दिया कि चलो हम याद कर रहे हैं उनको। लेकिन एक वाकया मुझे फिर याद आ रहा है जो मैं बता, ऑस्ट्रेलिया की बात है 1977-78 की, आपने वहाँ का जिक्र किया जी। एक बार मैं कमेंट्री कर रहा था और वहाँ के लोग 50-50 लोग इकट्ठे हो जाते थे कि भारत से एक लड़का आया, मैं 27 साल का था, भारत से एक लड़का आया है और बड़े ज़ोरों से मुंह चला के पता नहीं किस भाषा में बात कर रहा है। तो लोग पीछे आ के, ऑस्ट्रेलियंस लोग पीछे आ के खड़े हो जाते थे कि यार क्या हो रहा है ये, इस तरह से क्या। उस समय किसी अन्य भाषा में कमेंट्री नहीं होती थी। एक बार जब कमेंट्री करके पीछे मुड़कर मैंने देखा तो मैंने देखा कि कीथ मिलर वहाँ खड़े। मेरे होश खराब फाख्ता हो गए। मैंने कहा कीथ मिलर मतलब दुनिया के क्रिकेट इतिहास में अगर 10 ऑलराउंडर्स के आप नाम लें तो कीथ मिलर का नाम आप ज़रूर लेंगे। तो वो पीछे खड़े थे, तो मैं पसीना पसीना हो गया। तो उन्होंने कहा कि बॉय आई हैव गॉन थ्रू वट एवर यू हैव स्पोकन, नॉट अ सिंगल वर्ड आई हैव अंडरस्टूड, बट आई कैन टेल यू वट एवर वेंट इन टू माई ईयर्स वॉज वेरी स्वीट टू द ईयर्स। तो ये एक बहुत बड़ा कमेंट था कि जो हिंदी नहीं जानता उसके कानों में भी मिश्री की डली जैसी लग रही थी हमारी कमेंट्री। तो ये एक कमेंट बहुत अच्छा है। और एक कमेंट जो सबसे अच्छा किसी ने दिया, वो उसने कहा था कि आपकी आवाज़ जो है एक ईमानदार आवाज़ है। देखिए तरह तरह की आवाज़, बच्चन बॉरीटोन, यू नो कर्कश आवाज़, अच्छी आवाज़, मीठी आवाज़, मधुर आवाज़, यू नो तरह तरह की आवाज़ें, मोटी आवाज़, पतली आवाज़, लेकिन ईमानदार आवाज़। आज भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईमानदार आवाज़ है ना, दिल को छूने वाली आवाज़। इससे बड़ा कमेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। मुश्ताक अली जी ने जैसे बोला कि भगवान ने लता मंगेशकर जी को भेजा है गाने के लिए, सुशील दोषी जी को भेजा है कमेंट्री करने के लिए, और मुझे भेजा है क्रिकेट खेलने के लिए, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अरे बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनको कहते थे कि ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपना अपना काम करने के लिए मुकर्रर किया है। उन्होंने एक समारोह में कहा था, और मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिद है नहीं, लेकिन बहुत बड़े खिलाड़ी। आपको याद है ओल्ड ट्रफर्ड पर पहले सेंचुरी उन्होंने, पहले भारतीय जिन्होंने कि इंग्लैंड की भूमि पर सेंचुरी लगाई थी टेस्ट क्रिकेट में 1936 में। अब उनके साथ एक फंक्शन में कहीं गए थे हम, उस समय मैं तो बहुत छोटा था, वो बड़े थे। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ईश्वर ने हर काम, हर व्यक्ति को अपने अपने काम करने के लिए मुकर्रर किया, मुझे खेलने के लिए मुकर्रर किया, लता मंगेशकर को गाने के लिए, और सुशील दोषी को हिंदी कमेंट्री करने के लिए। हालांकि मैं उस लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा। तो आप ये सब सुनकर आपको घमंड नहीं होता, आप विनम्र हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी प्रतिभा से ज़्यादा कहीं ईश्वर का आशीर्वाद ज़्यादा। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि तुम ये मत समझना कि तुम बहुत प्रतिभाशाली, हो सकता है तुमसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग इस जहान में बहुत सारे हैं, भारतवर्ष में पता ही नहीं कितने, उन्हें शायद मौका ही नहीं मिल रहा। तुम अगर फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमेंट्री कर रहे हो मध्यम वर्गीय परिवार में होने के बावजूद भी, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी प्रतिभा से भी ज़्यादा ईश्वर का योगदान ज़्यादा है। आई थिंक ग्रैटिट्यूड फील करना आपको हम्बल बनाता है। नहीं ये तो है, देखिए आप ये भावना जो होनी चाहिए ना कि आप उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करें जी, जिन्होंने आपके जीवन में मदद किया, जहाँ भी बढ़ने में मदद की जी। तो ये तो एक कहते हैं ना, मानवीयता को एक पवित्र एहसास कराता है ये चीज़ जो है ना, ग्रेटिट्यूड जो है आपको एक पवित्रता का एहसास कराता है। आप जब मन में ये महसूस करते हैं ना तो आपको लगता है कि आप कहीं अंदर से पवित्र भावनाएँ जागृत हो रही हैं जी।
अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। पहला दौरा आपको जो मौका मिला पाकिस्तान दौरा आपने किया 1978 में, जब भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने एक फ्रेंडली मैच खेलने का प्रस्ताव रखा और सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए अपने रिश्तों में मधुरता लाने के लिए, और किसी वजह से भारत को उसमें वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। फिर दूसरी बार 1982-83 में आप गए, ऐसे कुछ हालात बने कि मैच को बीच में रोक दिया गया, आंसू गैस का प्रयोग किया गया, लेकिन आपने क्रिकेट कमेंट्री करना नहीं छोड़ा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब इतनी सारी चीज़ें चल रही थी पूरे एक्सपीरियंस में, आपको कैसा महसूस हुआ? कहीं डर लगा कि अब आगे क्या होने वाला है? कोई अनसर्टेनिटी? ये वो 1978 की बात है, मैं दोनों दौरों में गया था, 1978 में भी और 1982 में भी। और 1972 कराची टेस्ट मैच की बात है, और तब कुछ आतंकवादियों ने वहाँ पिच खोद दिया आखिरी दिन, और मैच रुक गया, आंसू गैस बरसाई जाने, मैं और नरोत्तम पुरी तब का कमेंट्री कर रहे थे। और अब ये 1982 की बात है, करेक्ट 1982 की। तो उस समय फिर उनको खिलाड़ियों को तो ढक लिया गया, सब जितने भी जो सैनिक थे उन्होंने ढक दिया उनकी सिक्योरिटी से, लेकिन कमेंटेटरों को कौन देखता? हम तो कमेंट्री करते रहे, आंसू गैस छूट रही थी, हमारे आंखों में से आंसू बह रहे थे, और हमको कहा गया कि आप कमेंट्री जारी रखो कि इससे कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है। तो हमने कमेंट्री जारी रखी, आंखों में से आंसू, और फिर डर भी लग रहा था कि भाई कोई आतंकवादी इधर आ गया, उनके हाथ में तो हथियार थे और हम तो निहत थे बिल्कुल, माइक्रोफोन कोई हथियार तो होता नहीं है। तो लेकिन फिर भी देखिए, देश के लिए आप जाते हैं ना तो एक अलग ही भावना शुरू हो जाती है, आप अपने से कहीं ऊंचा उठकर काम करने की सोचते हैं, और आपकी जिम्मेदारी की भावना बलवती हो जाती है। देश ने आपको चुनकर भेजा, आप बेहतर काम करना चाहते हैं और देश की इच्छाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, तो वो काम मैंने किया। और एक बात और मैं 1982 की करना चाहूँगा, भारत के जो मैनेजर थे ना, फतेह सिंह राव गायकवाड़, जो बड़ौदा के महाराज, बड़े प्रसिद्ध थे और सारे लोग उनको बहुत जानते थे वहाँ पे, और उनका बड़ा रसूख था, सब उनको लेने आते थे और उनके राष्ट्रपति और सब जानते थे। तो एक बार हम लोगों ने पार्टी दी लाहौर में, लाहौर की बात है, पार्टी हम लोगों ने दी, मतलब हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, और तमाम लोग आए, बाहर खड़े थे सुनील गावस्कर, बाहर खड़े थे फतेह सिंह राव गायकवाड़, मैं भी एक पड़ोस में खड़ा हो गया ऐसे ही देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तभी देखा कि एक आवाज़ उठी सब तरफ से कि वो आ गई, वो आ गई। सबने मैं भी आश्चर्य से देखने लगा कौन आ गई, तो सभी और भीड़ चलने लगी अचानक कि वो सभी दूर, एक ही आवाज़ थी कि वो आ गई, वो आ गई। तो एक देखा कि एक मध्यम उम्र की महिला वहाँ पर आई, बड़ी ग्लैमरस लुकिंग महिला वहाँ पर आई, और महाराज फतेह सिंह राव गायकवाड़ ने उनका बड़ा स्वागत किया गर्मजोशी से, मैं तो पहचानता नहीं था, आश्चर्य हुआ कि कौन है। तो फिर उन्होंने सुनील गावस्कर का परिचय कराया, ये सुनील गावस्कर हैं, भारत के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन, दुनिया भर में उनका बड़ा नाम है, दुनिया उनकी मुरीद है, भारत के कप्तान हैं, तो आप तो इन्हें जानती ही होंगी। तो महिला ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो इमरान खान और ज़हीर अब्बास को जानती हूँ। वो थोड़ा चकपका गए महाराज भी, तो महाराज ने फिर सुनील गावस्कर को कहा कि भाई आप तो इनको जानते ही होंगे, ये तो मल्लिका है, तरन्नुम नूरजहाँ है। तो सुनील तो जितने छोटे कद के हैं उतने ही गहरे भी हैं, उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो इनको नहीं जानते, हम तो लता मंगेशकर को जानते हैं। एक ये बड़ी साहस की बात है, देखिए ये तमाम बातें अपनी इस पुस्तक में भी मैंने, कई कहानियां हैं, कितने ही किस्से हैं, और मैंने एक काम किया है कि जितने भी जहां मैं रहा, मेरे सामने जो घटनाएं घटी उन्हीं किस्सों का मैंने समावेश किया, सुनी सुनाई बातें मैंने इस किताब में कभी भी नहीं लिखी, मैंने वही बातें लिखी हैं जो कि मेरे सामने घटित हुई या जिनका मैं कहीं ना कहीं गवाह रहा हूँ। तो एक हिसाब से बड़ा जीवंत, और कोविड के दिन थे उस समय लिखी गई थी किताब, तो काफ़ी वक्त था कि आप समझ कर लिखते, और कोशिश ये की कि जिस तरह से मैं कमेंट्री करता हूँ कि दिलों, मतलब महसूस करता हूँ दिल से और दिलों को छूने की कोशिश करता हूँ, वही काम मैंने लेखन में भी किया, महसूस किया दिल से, कलम चलाए और कोशिश की कि आप जब पढ़ें तो आपके दिलों को भी छुए। तो ये क्योंकि क्या है, देखिए
लोकप्रियता तो वैसे ही काफ़ी है, केवल कोई पैसे के लिए तो कोई लिखते नहीं, लेखन का कार्य पैसों के लिए होता नहीं। आपको कोई ऐसा कुछ ऐसा लिखें जो कि लोग बरसों तक याद रखें, तो कोशिश यही की कि अच्छा लिखें और लोगों के दिलों तक उतरे। तो ये मुझे खुशी है कि किताब अच्छी भी चल रही है और अमेज़ॉन पे तो इट वाज एट वन टाइम बेस्ट सेलर ऑन अमेज़ॉन। सर, भारतीय क्रिकेट टीम पहला वर्ल्ड कप जीती सन 1983 में और फिर काफ़ी समय लंबे समय के अंतराल के बाद दूसरा वर्ल्ड कप जीती 2011 में। दोनों बार आपने हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दोनों बार जब आपने कमेंट्री की तो कौन सी कमेंट्री आपको सबसे ज़्यादा रोमांचित लगी? एक जो पहला वर्ल्ड कप हमने जीता था उसका रोमांच, उसकी एक्साइटमेंट, या जो बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद भारतीय क्रिकेट टीम बहुत तैयारी कर रही थी और बहुत सारे चेंजेस हुए टीम में, उसके बाद उन्होंने जीता, उस समय आपको कैसा लगा? नहीं, देखिए 1983 में तो मैंने कमेंट्री नहीं की थी। कारण क्या है कि 1983 में भारत समझता था कि भारत को कोई मौका ही नहीं, और उनको लगता था कि ये तो पजामा क्रिकेट है। वनडे क्रिकेट को पजामा क्रिकेट कहते थे भारतीय लोग, उनको विश्वास ही नहीं था कि हम जीत गए। भाई सेमीफाइनल के वक्त तो हमारे तमाम श्रीकांत और इनकी टिकटें अमेरिका के लिए बुक हो गई थी कि भाई हम तो जीत ही नहीं सकते, हम तो घूमने फिरने जाएंगे आगे। इनको क्या मालूम था कि फाइनल तक पहुँच जाएंगे, और फाइनल में जीत गए तो हमसे ज़्यादा उनको आश्चर्य हुआ। तो उस समय क्या था कि ऑल इंडिया रेडियो भेजती नहीं थी, उनको मालूम था ये कोई क्रिकेट ही नहीं है, टेस्ट मैच हो तो कोई बात है, तो वनडे में भेजते ही नहीं थे किसी टीम को, तो कोई गया ही नहीं था। ये बाद में जब जीत गए तो इस देश में एक क्रांति सी आ गई क्रिकेट की, उसके बाद से भेजना शुरू किया और वनडे क्रिकेट को उन्होंने गंभीरता से लेना शुरू किया। तो 1983 का तो मैंने केवल टेलीविज़न पर ही देखा, क्योंकि ना रेडियो कमेंट्री हुई ना टेलीविज़न पर भारत की तरफ से कमेंट्री हुई। लेकिन 2011 की मैंने स्टार स्पोर्ट्स के लिए पूरे सभी मैचेस किए, और मुझे मालूम है कि क्या हाल होते हैं हम लोगों के जब भारत खेलता है और फाइनल तक पहुंचता है, और जिस तरह से लोगों की उम्मीदों पर हमारी टीम खरा उतरती है। देखिए, हम लोगों कमेंटेटर्स का ये कि हम ना तो ज़्यादा खुशी दिखा सकते हैं, हमारा काम थर्ड अंपायर की तरह होता है, हम ना तो ज़्यादा खुशी महसूस कर बता सकते हैं, महसूस करें भी तो रोकना पड़ता है, हमें निष्पक्ष रहना पड़ता है बिल्कुल थर्ड अंपायर की तरह। तो हम जब्त करके दिली दिल में तो खुश होते हैं लेकिन बताते रहते हैं जो भी सच्चाई है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट्री जो है सच बोलने की कला का दूसरा नाम है कमेंट्री। तो और सच बोलने की कला रातों रात नहीं आती, इसमें आपके पारिवारिक संस्कार जी। आपका बचपन कैसे बीता है, आपके अध्यापक कैसे थे, आपके यार दोस्त कैसे थे, आपकी सोहबत कैसी थी, तमाम चीज़ें आपकी सच्चाई में कहा। तो सत्य बोलना, जैसे कि वो संजय जिनका मैंने जिक्र किया ना पहले कमेंटेटर, कितना सही वर्णन करते थे अंधे व्यक्ति को युद्ध का, बिल्कुल उनको लगता था कि वो खुद ही युद्ध देख रहे। वही काम कमेंटेटर का भी होता है कि जो लोग नहीं देख रहे होते हैं उनके सामने भी दृश्य पैदा हो जी। ये काम अगर हम करें तो हम अच्छे कमेंटेटर हैं, अगर नहीं कर पाए तो बुरे कमेंटेटर हैं। सर, हमारे देश में बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स हैं, बहुत जाने माने क्रिकेटर्स हैं, सुनील गावस्कर जी, कपिल देव जी, सचिन तेंदुलकर जी, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और बहुत सारे। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपके फेवरेट कौन हैं और क्यों? नहीं, मेरे फेवरेट तो सुनील गावस्कर ही हैं, सभी जानते हैं इस बात को, क्योंकि उनके 34 शतकों में से 21 शतक का डिस्क्रिप्शन मेरी कमेंट्री के दौरान हुआ, तो ऐसा तो कभी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये एक किस्मत की बात है। और दूसरी बात ये कि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि उनकी कई कहानियाँ इतनी मौजूद हैं, उनका बचपन देखो तो आप देखो कि सभी जानते हैं कि एक मछुआरे की गोद में चले गए थे, सब जानते हैं ना इस बात को, तो वो वहाँ से पलट कर किस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा और किस तरह से उसने दुनिया को अपने कदमों तले, और आज भी देखिए गरिमा कितनी है, आज उनकी इज्जत कितनी, अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स आज वो इज्जत नहीं रखते हैं, जो सुनील गावस्कर जब एक बार कोई बात बोल देते हैं तो दुनिया भर में उनकी इज्जत की जाती है। और मुझे याद है कि मैं टॉमसन से एक बार बात कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में जब हम गए थे, तो टॉमसन तब दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाज थे, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करते थे, और तब उनसे काफ़ी बात, तब तो क्रिकेटर्स और हम लोग कॉमेंटेटर्स खूब मिलते जुलते थे, रोज़ पार्टीज़ करते थे,
क्योंकि तब इतने अनुबंध वगैरह होते नहीं थे, दुराव छुपाव की कोई भावना नहीं थी, थी नहीं, तो टीम के साथ ही हम चलते थे। तब वो बात होती थी तो उन्होंने, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि दुनिया मुझसे डरती है, दुनिया जानती है कि मैं कितना तेज़ गेंदबाज हूँ, लोग मेरे जब मैं बॉलिंग करता हूँ तो लोग दुबक जाते हैं और डरते हैं, कोई स्क्वायर लेग की तरफ किसी के पाँव का मूवमेंट हो जाता है, लेकिन सुनील गावस्कर के सामने जब मैं बॉलिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो धीमा गेंदबाज हूँ, मैं उसके पास इतना वक्त रहता है मुझे खेलने का कि मैं आश्चर्यचकित रह, इससे बड़ा बल्लेबाज कोई दुनिया में नहीं। इमरान खान ने भी यही कहा कि उसको आउट करना बहुत मुश्किल काम है, तो ये अलग बात है। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है ना कि तमाम धन संपत्ति के मोह के अलावा भी आज जो सही होता है भारतीय क्रिकेट के लिए, चाहे वो विराट कोहली के बारे में कुछ कहना हो या फिर सौरभ गांगुली के लिए बारे में कहना हो, तो वो ये सोचकर नहीं कहता है कि मुझे कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान। आजकल फ़ायदा और नुकसान की दुनिया हो गई, लोग उस तरह से बोलते हैं कि किससे फ़ायदा और किससे नुकसान हो, लेकिन सनी भाई इस तरह से नहीं करते। और उनकी एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका हम लोग गए थे 1996-97 में, तब एक दिन शाम के वक्त हम लोग बैठे थे, सब कह रहे थे कि भाई सुशील दोषी के कमरे में बैठेंगे, तो मैं बड़ा गर्व अनुभव करता था कि यार मेरे कमरे में बैठने तो मेरी क्या इतनी इज्जत बढ़ गई क्या, तो मैं बड़ा तो बाद में मेरा सपना टूटा जब मुझे पता चला कि वो इसलिए बैठते थे कि मेरे कमरे में इंदौर का सेव मिक्सचर और चिवड़ा रहता था। तो खैर कोई बात नहीं, दिल तो छोटा हुआ। लेकिन एक दिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए मैं दुनिया का इतना बड़ा ओपनिंग बैट्समैन ऐसे सब लोग कहते हैं, लेकिन जब आखिरी दिन आए और चार लोग उठाने वाले आए, उसमें से अगर चार लोग ये भी कह सकें कि ये अच्छा आदमी था, तो मैं समझता हूँ मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लोकप्रिय आदमी होने से भी बड़ी बात होती है अच्छा आदमी होना। इसीलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों को ये कहता हूँ कि भाई लोकप्रियता अपनी जगह, लेकिन अच्छा आदमी बनने की कोशिश करनी चाहिए। सर, एक आपने अपनी किताब आंखों देखा हाल में किस्सा लिखा है सुनील गावस्कर जी का, जो उन्होंने सचिन तेंदुलकर के लिए भविष्यवाणी की थी कि वो शतक बनाएंगे, वो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं ज़रा। नहीं, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के किस्सा पिता पुत्र की तरह ही है, मतलब अगर जब वो सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे और हम लोग कॉमेंट्री बॉक्स में बैठते थे, वो अंग्रेज़ी कॉमेंट्री बॉक्स में बैठते थे, तब मैं देखता था कि वो बहुत नर्वस हो जाते थे, उनको लगता था पता नहीं ये स्ट्रोक ऐसे क्यों खेल रहा है, ये स्ट्रोक ऐसे क्यों खेल रहा है। जब कमेंट्री नहीं करते थे तब भी दुखी बैठे रहते थे, उनको बड़ा नर्वसनेस आता था। तो लेकिन उसकी प्रतिभा को, और जल्दी आउट हो जाते थे ना, तो मैच के बाद उसको बुलाते थे ग्राउंड पे और कहते थे कि ये इस तरह से खेलो, यू नो, तो वो ऐसा बहुत कम होता है। ये मुंबई क्रिकेट की बड़ी विशेषता है, दूसरी जगह मैंने देखा अपने क्रिकेटर्स को नीचे गिरा देते हैं लोग अपने वाले ही, लेकिन मुंबई क्रिकेट के लोग जो होते हैं ना, वो अपने क्रिकेटर को ऊपर उठाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, तो वो उनको लगातार सलाह देते थे। एक बार उन्होंने जब शुरू में ज़्यादा क्रिकेट खेले नहीं थे सचिन तेंदुलकर, थोड़ा सा क्रिकेट खेले थे, कुछ 5-6 साल ही हुए होंगे, लेकिन तब उन्होंने कहा कि इसकी जो प्रतिभा है, स्ट्रोक्स जिस तरह से लगाता है, उससे मैं कह सकता हूँ कि ये अगर खिलाड़ी ज़िंदगी में 15,000 रन टेस्ट मैच में अगर नहीं बनाए और 50 शतक नहीं लगाएगा तो मैं इसकी गला घोट दूंगा, यू नो। इसका मत कितना मीठा उलाहना है कि अगर इसने इतना अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया तो मैं इसका गला घोट दूंगा और तब तक मेरी उम्र बहुत हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा, तब मैं किसी की मदद लेकर इसका गला घोटूंगा। तो ये जो और सचिन तेंदुलकर जी ने शतक बनाए भी, उनकी वो मनोकामना उससे ज्यादा मनाया, तो अपने गुरु को उन्होंने कहा ना, मैं विव रिचर्ड्स और सुनील गावस्कर को कभी नहीं भूलता क्योंकि ये मेरे क्रिकेट खेलने के कारण है, इनके कारण मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इनके कारण मैं क्रिकेट खेल की तरफ अग्रसर हुआ, तो इनका रिश्ता इतना भावुक रिश्ता है जी। सर, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी हिंदी कॉमेंट्री के बारे में। हिंदी क्रिकेट कॉमेंट्री की शुरुआत आपने की, आपके द्वारा बनाई गई शब्दावली, क्रिकेट कमेंट्री की जो शब्दावली, वो आज भी प्रयोग में लाई जा रही है, लेकिन तब और अब के कमेंट्री में आपको क्या फ़र्क लगता है, और अब जो क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, उनके लिए क्या सीख होगी? देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि
क्रिकेट कमेंट्री, हिंदी क्रिकेट कमेंट्री खास करके, एक बहुत ही मुश्किल काम है और एक बहुत ही सरल काम है। सरल काम इसलिए कि आप हिंदी तो बोल ही सकते हैं, कुछ भी बोलिए तो सरल काम है, लेकिन अच्छी क्रिकेट कमेंट्री करना एक बहुत मुश्किल काम है। वो हमारे ज़माने में एक बात होती थी, हमारा ज़माना तो अभी भी है, मैं अभी भी कमेंट्री कर रहा हूँ, लेकिन वो जब हमने शुरुआत की थी और रेडियो का ज़माना था, जो गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी कमेंट्री जो कहा जाता है, उस समय शब्दों की बड़ी कीमत थी, साहित्य की बड़ी कीमत थी, आवाज़ की बड़ी कीमत थी। आप देखें जसदेव सिंह, मुरली मनोहर, मंजुल, मतलब कैसी आवाज़ें थी कि आप आवाज़ से ठहर जाते थे कि आवाज़ कितनी अच्छी है, मधुर है, दिलकश आवाज़ें, अच्छा साहित्य। मुझे याद है कि एक मैच की मैं कमेंट्री कर रहा था फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पे, और सुनील गावस्कर कुछ 85-86 रन पर खेल रहे थे, सूरज डूब रहा था, तो मैंने कहा था कि सांझ ढल रही है, खिलाड़ियों की परछाइयाँ लंबी हो रही हैं, सूरज ढल रहा है, लेकिन भारत का सूरज सुनील गावस्कर सनी अब भी पूरी चमक के साथ विद्यमान है। आप कैन यू बिलीव इट कि एक क्षेत्र से तालियां बजनी शुरू हो गई स्टेडियम में, तब रेडियो पे लेकर बैठते थे, तब फील्डर ने पूछा कि भाई अभी तो कुछ हो नहीं रहा तालियां का, बोल वो कमेंटेटर, हिंदी कमेंटेटर ने बहुत बढ़िया बात की, ये बाद में उस फील्डर ने मुझे बताया। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये हम लोगों को बहुत उत्साहित करती हैं ये चीज़ें, कि इसका मतलब ये है कि आप सही काम कर रहे हैं, लोगों के दिल में उतरने का जो काम है वो पूरा कर रहे हैं। और हिंदी के प्रति देखिए, हमारी मातृभाषा है, इसके प्रति हमारा एक कर्तव्य, मैं तो चाहता हूँ कि देखिए अब गुजराती में कमेंट्री होती है ना, मलयालम में कमेंट्री होती है, मैं अभी ये प्रश्न उठा रहा हूँ कि अब राजस्थानी और मारवाड़ी में भी कमेंट्री होनी चाहिए तो क्यों नहीं होगी, नहीं बड़ी बड़ी दिलचस्प कमेंट्री होगी, और मैं करूँगा उसको, एक नया क्षेत्र होगा और मैं बात करूँगा इसके लिए, और उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर एक बहुत ही एक क्रिकेटर्स जो आप जो शायद ही पूछ रहे हैं कि क्रिकेटर्स आजकल कमेंट्री में आ गए जी, लेकिन क्या होता है कि क्रिकेटर्स के आने से फ़ायदे तो बहुत है। देखिए इनको ड्रेसिंग रूम के बारे में मालूम रहता है, अनुभव इनको रहता है कि अभी किस तरह का वातावरण होगा ड्रेसिंग रूम में जी, खिलाड़ी के मन में क्या चल रहा होगा इसका अनुभव होगा जी, ये तमाम चीज़ें, तकनीकी ज्ञान उनको रहता है थोड़ा सा बेहतर, ये सब रहता है। लेकिन दिक्कत ये पड़ रही है कि ये लोग भाषा को न तो प्यार करते हैं, न ही उसको सम्मान करते हैं, उसके ज़रिए पैसा कूटने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ी ख़राब बात है कि वो उस भाषा, जिस भाषा में बात कर रहे हैं उसको सम्मान नहीं, बोले हिंदी भी कोई भाषा है क्या, कैसी भी बोलो, उत्तर प्रदेश में अलग तरह से बोली जाती है, राजस्थान में अलग तरह से बोली जाती है। अब एक खिलाड़ी अब देखिए कि घायल हो गया तो वो चलने लगा, टेढ़ा बांका चलने लगा, गिर गया तो थोड़ा लड़खड़ाने लगा, तो हमारे क्रिकेटर महोदय ने कहा, मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने कहा उनका चाल चलन खराब हो गया है, समझे, अब बेचारे का चरित्र ही खराब कर दिया। तो बेचारे मासूम आदमी ने सोचा तो ठीक, चाल है ना चलना, चलना और चलन है ना तरीका, तो उन्होंने कहा चाल चलन, हिंदी को बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ मैं, तो चाल चलन खराब हो गया, लेकिन चाल चलन खराब। अब जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि वैन ही डिपार्टेड, जैसे आउट हो गया ना, तो हमारे एक बड़े क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा जब सचिन तेंदुलकर गुजर गए, तो अब आप सोचिए कि मैं अगर कमेंट कहीं बाहर गया हूँ और अचानक सुनूँ कमेंट्री लगाया मान लो टेलीविज़न और उस पर आवाज़ है कि सचिन तेंदुलकर गुजर गए, तो मेरे तो दिल से सदमा, मैं गुजर जाऊँगा उसमें तो, तो ये हाल का बेहाल कर देते हैं लोग, और बड़ा मुश्किल है। एक खिलाड़ी जो बहुत ज़्यादा कहावतें कहने के शौकीन है, आप समझ रहे होंगे, उन्होंने कहा कि जब मालिक मेहरबान तो गधा पहलवान, फिर उन्होंने कहा कि मालिक मेहरबान तो धोनी पहलवान, तो किससे किसको रिप्लेस कर दिया आप सोचिए, और दोनों उदाहरण खुद ही ने पेश किए। तो ये क्या होता है कि कई लोग जो कम जानते हैं ना वो विद्वत्ता ज़्यादा बखान करने की कोशिश, जो कहते हैं ना सिक्का ज़्यादा खनकता है, नोट तो कभी आवाज़ नहीं करते ना, बड़े नोट कभी आवाज़ करते हैं, सिक्का खनकता रहता है, तो ये होता है जो कम जानता है वो खनकता ज़्यादा है जी। जो जानता है वो चुप रहता है, जो विद्वान है वो चुप रहता है। सर कपिल देव जी के ऊपर मूवी बनी है 83, और महेंद्र सिंह धोनी जी के ऊपर मूवी बनी है MS धोनी,
मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर आप सबसे पहले रहे हैं, आपके ऊपर अगर मूवी बनाना चाहें तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और बतौर नायक आप किसको लेना पसंद करेंगे? नहीं, नायक तो वो पसंद तो प्रोड्यूसर ही करेगा। वास्तव में एक प्रोड्यूसर को ये हमारी आत्मकहानी इतनी पसंद आई है कि वो चाह रहे हैं कि, वो कह रहे हैं कि क्रिकेट की कहानी सफल नहीं होती है, वो कह रहे हैं कि जैसे 83 जो मूवी थी वो सफल नहीं हुई, बॉक्स ऑफिस फेल हो गई, वो कह रहे हैं क्रिकेटर्स को हम टच करना नहीं चाहते, हम तो आपकी कहानी में दिलचस्पी है, तो वो बात करना चाहते हैं, मैं बात करूँगा। ऐसा नहीं, मुझे खुशी है कि कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं तो खुशी की बात है, अगर करें तो अच्छी बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कुछ हमें आपका ग्रे मैटर भी देना पड़ेगा उसमें, मतलब आपकी ऐसी चीज़ें जो नहीं है, थोड़ी खलनायकी की भी दिखानी पड़ेगी। मैंने कहा मैं परिवार से पता करके उसके, मतलब ऐसे विचित्र प्रेम कहानियां रचने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे जीवन में बड़ी शांति है, अशांति पैदा करने नहीं चाहता मैं। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अब तक की आपकी सबसे यादगार क्रिकेट कॉमेंट्री कौन सी रही? मैं सोचता हूँ ओवल टेस्ट मैच में कभी भूलता नहीं, 1979, 438 रन भारत को आखिरी दिन बनाने थे आखिरी पारी में, और इतने रन कभी बने नहीं थे, और भारत ने काफ़ी 360 रन एक विकेट पर बना लिए थे, और काफ़ी समय बचा था, भारत जीत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था। उस समय मुझे याद है कि कुछ लोग जो है वो मैदान छोड़कर जा रहे थे, उनकी उम्र ज़्यादा थी, कोई 60 साल का था, कोई 65 साल का था, तो आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा भाई आप लोग, ये लोग जा क्यों रहे हैं, ऐसे दिलचस्प मुहाने पर मैच बैठा है और ये जा रहे हैं मैच छोड़कर, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जाकर पूछा कि हाउ कैन यू लीव द मैच एट दिस स्टेज, इट इज़ एट सच एन एक्साइटिंग स्टेज। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें दिल की बीमारी है, हमारे डॉक्टर्स ने हमें बताया है कि ऐसा कोई भी रोमांच अपने दिल पर मत लेना, नहीं तो आपके ये दिल के लिए ये भारी पड़ सकता है। तब मुझे याद है कि मैंने कमेंट्री में कहा था कि ये, अब मैंने क्या सोचा कि ये जो आज यहाँ स्थिति है, ये तमाम लोग जो कमेंट्री सुन रहे हैं ना, उनके साथ भी तो यही हालत होगी ना, वो भी तो इस उम्र के कई लोग हैं जो भारत में कमेंट्री सुन रहे हैं, जिनके दिल धड़क रहे होंगे कि भारत मैच जीतेगा। तब भारत जीतता नहीं था, बड़ी मुश्किल से जीत की तरफ बढ़ रहा था, तो लोग कानों कान सुन रहे थे और बड़ा देश भर में उत्साह था, रात का वक्त था और अब लोग बिल्कुल रेडियो पर, मुझे याद है डॉक्टर धर्मवीर भारती ने तो मुझे गले से लगा लिया था जब मैं वापस आया, धर्मयुग के संपादक थे और बड़े धर्मवीर भारती जी इतने बड़े साहित्यकार, तब मैंने कहा था कि ये मैच अब कमज़ोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है, और जिनके दिल कमज़ोर होंगे, जिन्हें दिल की बीमारी है, उनके डॉक्टर शायद उन्हें सलाह दे रहे होंगे कि ये कमेंट्री अब ना सुने, ये रोमांच उनके दिल को भारी पड़ सकता है। ये जब मैंने ऐसे मॉड्यूलेटेड वॉइस में और कंपन के साथ जब मैंने बताया, तो वो लोग आज भी याद करते हैं उस कमेंट्री को। और जब मैं मुंबई आया तो एयरपोर्ट पर भी जो स्वागत मुझे किया उन लोगों ने, जो एयरपोर्ट के अधिकारियों ने, कि सर आप छोड़िए, आप ये सामान वामान तो सब बाहर, आप तो, आपने तो दिल जीत लिया सर, भारत मैच हार गया लेकिन आपने दिल जीत लिया है। तो ऐसा भी एक हिंदी कमेंट्री का वो एक गोल्डन पीरियड, मैं अपने लिए नहीं, मैं हिंदी के लिए, मेरा दिल बड़ा बाग बाग हो गया कि देखे। और एक और मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया से जब मैं लौटा, तो मुंबई में, आप मुंबई गए होंगे ना, तो नेपियन सी रोड जो सी बीच पे है बिल्कुल, मेरे भाई रहते थे, तो वहाँ पर रुका था, मुझे पता नहीं था कि मैंने कमेंट्री अच्छी की या ख़राब की, पता ही नहीं था, लोग पता नहीं चलता था, पहले चिट्ठी आने में भी एक एक महीने लगते थे आने जाने में, तब भी ये तो था नहीं मोबाइल और टेलीफोन इतना महंगा था कि कोई करता नहीं था। तो वहाँ पे मैंने देखा, जब वापस आया नीचे देखा कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और एक लड़का कमेंट्री कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं सुशील दोषी बोल रहा हूँ तो देखिए जो आप हिंदी, आप जहाँ पहुँचने की कल्पना नहीं कर सकते थे कि अंग्रेजी दा इलाका, एक शब्द हिंदी कोई बोलता नहीं, उस जगह पर नेपेंसी रोड इलाके में कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, वो हिंदी में बात कर रहा है, तो हिंदी वहाँ पहुँची जहाँ वो पहुँचने की कल्पना नहीं कर सकती।
इस बात का मुझे बड़ा गर्व है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदी और क्रिकेट ने एक दूसरे को काफ़ी मदद पहुँचाई, कि हिंदी के कारण क्रिकेट पॉपुलर हुआ, ये गट्ठरधारी किसानों में गया, खाना बनाती महिलाओं में गया जो पहले नहीं सुनती थी कमेंट्री, उनको समझ में नहीं था, अंग्रेजी में होती थी ना, या फिर हिंदी के कारण जैसे क्रिकेट पॉपुलर हुआ तो क्रिकेट के कारण हिंदी वहाँ पर पहुँची। साउथ में लोग मुझे लिखने लगे कि आपकी आवाज़ सुन के मज़ा आता है और आप करिए, केवल वो 69 और ये समझ नहीं पाते थे, वो अंग्रेज़ी में आप बोलिए। तो ये कि हिंदी और क्रिकेट ने एक दूसरे की काफ़ी मदद की। सर, ऑडियंस में भी बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं जानना चाहूँगी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो। आई हैव 3 क्वेश्चन, तो एक एक करके पूछूं या एक साथ पूछ लूं? सबसे पहला आपके फिटनेस का क्या राज है? फिटनेस का क्या राज है? नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कारण आज़ादी मिली, मैं जून में बॉर्न हुआ और अगस्त में आज़ादी मिली, ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई एम 47 बॉर्न। यू मोटिवेट सो मेनी पर्सन, क्या आपकी फिटनेस का क्या राज है? प्रसन्न रहना, क्रिकेट के साथ जुड़े रहना और प्रसन्न रहना। जो कुछ जीवन ने दिया है वो अद्भुत है, उससे बेहतर हो नहीं सकता था, ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था, हमारी काबिलियत से यही सर्वश्रेष्ठ है जो कुछ हो रहा है। ये जब आप ध्यान रखोगे तो आपके जीवन में खुशी खुशी प्रसन्नता है और फिर जो आप चाह रहे हैं वो प्राप्त हो जाए तो बात ही क्या। माय सेकंड क्वेश्चन इज, आप एक्सपर्ट कमेंटर जो एक्सपर्ट कमेंट्स देते थे, सबसे ऊंची रेटिंग आप किसको देते हैं? लाइक फतेह सिंह जी राव गायकवाड़, बॉबी दलेर खान, लालाजी के बारे में तो मैं बोलना नहीं क्योंकि वो लड़खड़ा जाते थे, जगदीश लाल जी, आप सबसे ऊंची रेटिंग किसको देते हो एक्सपर्ट? एक्सपर्ट पे ना? हाँ। नहीं, मैं लिंडसे हैसेट को बहुत अच्छा मानता था, ऑस्ट्रेलिया के थे। हाँ। फिर कमेंटेटर्स में जॉन अर्लट और एलन मिगलबरी बहुत अच्छे थे, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस बाद में आए, ये भी ठीक है, तो मैं इनका बड़ा प्रशंसक था, खास करके जॉन अर्लट को। वो क्या करते थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि हर शब्द का एक चित्र होता है। जैसे आपने कहा कि ही हिट्स इट फॉर 4 रन्स, लेकिन जब जोर से स्ट्रोक लगा ना ताकत के साथ तो आप ऐसा बोलिए ही क्रैक्स इट फॉर 4, तो आवाज़ में क्रैकलिंग लाओ, तो उससे क्या लगता है कि क्योंकि रेडियो कमेंट्री थी ना तब, तो उससे लगता है कि ज़्यादा ज़ोर से स्ट्रोक लगा, ज़्यादा ताकत के साथ लगा, ज़्यादा अच्छी टाइमिंग के साथ लगा, ये तमाम तो ये शब्द का भी एक चित्र होता है, ये चीज़ उन्होंने मुझे समझाई थी जो मेरे जीवन में बड़ी काम आई। अमंग द इंडियंस लाइक देवराज पुरी, वीएम चक्करपानी, ये विजय मर्चेंट, महाराजा विजयनगरम, डॉक्टर नरोत्तम पुरी, सारथेंदु सन्याल, पियर्सन सुरेटा, आप सबसे ऊंची रेटिंग किसको? नहीं, आनंद सेतलवाड़ को मैं सबसे बेहतर मानता था, फिर नरोत्तम पुरी वाज आल्सो वेरी गुड। और ये लोग क्या है कि एक्यूरेसी से कमेंट्री, एक्यूरेट कमेंट्री करते थे। एक लास्ट क्वेश्चन, लाइक कपिल शर्मा शो वाला, कपिल शर्मा जैसा सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? बेसिकली योर सरनेम इज सुशील जैन, तो आपने सुशील दोषी लगाया, क्या आपने जिम्मेवारी ली कि क्रिकेट कमेंट्री के सब दोष आपको निकालने हैं? क्या है कि शर शक्कर का है वो दोषी, शर षटकोण का नहीं है, बट एनीवे ये इसमें मेरा दोष नहीं है, ये हमारा सरनेम है, लेकिन जैन मेरी कास्ट है तो वो जैन लिखता था मैं। हाल ही में हम WTC फाइनल हारे जो ओवल में हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसका क्या कारण लगता है कि दो लगातार हम दो फाइनल्स में आए? क्या ये IPL जिम्मेदार, या जब हमारे देश में टीमें दौरा करती हैं तो हम थोड़े स्पिनर फ्रेंडली पिचेस जिसको गड्ढों की तरह हिंदी कमेंट्री में बोलते हैं वो जिम्मेदार है, या जो कार्यक्रम है टाइट शेड्यूल BCCI जो करती है क्या वो कमर्शियल करने के लिए, तो आपको या तीनों कारण या इसके अलावा कोई कारण लगता है कि भारत में इतना टैलेंट होने के बाद भी हम वो ICC ट्रॉफी 10 साल से क्यों नहीं जीत पा रहे? नहीं, सही बात है, आपका कहना ठीक है, क्योंकि देखिए वर्कलोड इतना है,
हमेशा ध्यान रखो, जब आप यंत्रवत कोई काम करते हो ना, एक का एक काम रोज करोगे तो आप दिमाग गिरवी रख देते हो, तब आपका आपकी क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं ना, ये कम हो जाती है। इतना ज़्यादा क्रिकेट, फिर आप देखिए 58 मीटर की बाउंड्रीज रख देते हैं, तो आपका मिस हिट भी छक्का जा रहा है, वहाँ तो टेस्ट मैच में तो कैच हो जाता है वो। तीसरी बात ये कि आप ऐसे पिचेस पर खेले हैं भारत में, और आईपीएल खेले, अभी अभी आईपीएल खेले, ऐसे बिल्कुल रनों के आप फसल काट रहे हैं लगातार, खूब रन बन रहे हैं, गेंद की लाइन में आओ बैट घुमाओ तो अपने आप चौका जाता है, तो ऐसे पिचेस पर खेल रहे हैं, सडनली आप पाते हैं कि थोड़ी कटीली रहा है, तो ये तो पिच में साइडवेज मूवमेंट हो रहा है और गेंद हवा में स्विंग हो रही, सीम के सहारे कट हो रही, तो आप फिर उसका अचानक सामना नहीं, क्योंकि 2 महीने से आप अभ्यास कर रहे हैं ऐसे पिच पर खेलने का, और उसमें क्या होता है कि फिर जीत हार से परे फिर आप हो जाते हैं, आप केवल यंत्रवत खेल जाते हैं, तो वो क्रिएटिविटी, वो महानता जो आपको महान बना रही थी वो प्रकट नहीं होती। तो वर्कलोड कम होना, आपका कहना ठीक है कि भारतीय क्रिकेट को अगर ऊपर उठना है तो वर्कलोड बांट कर रखना चाहिए, और एकदम एकदम काट छांट भी नहीं करना है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को एकदम बाहर कर दिया फिर नए ले लिए, तो वो भी ठीक नहीं। सबसे पहले तो मैं सुशील जी का तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहता हूँ जोधपुर के इस पावन धरा पर, और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमें आप जैसी शख्सियत को सुनने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, जो संस्कारों की बात, जो एक ऑनेस्टी की बात आपने कही, एक स्पिरिचुअलिटी की झलक आपने हमें बताई, उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत प्रोफेशनल एंकर भी हूँ और कुछ म्यूज़िक का भी शौक़ है। बहरहाल आपने जितने भी अभी तक कमेंट्रीज की हैं तो उसमें आप क्रेडिट अपनी लाइफ में किसको देना चाहेंगे सबसे ज़्यादा? एक तो ये मींस किसको देखकर आपने सोच, क्योंकि इनिशियली आपने स्टार्ट जब किया मैदान में गए देखा तो एक क्रिकेट का आपको बड़ा शौक था देखने का, लेकिन उसके बाद कमेंट्री का जैसे आपके मन में विचार आया तो आपने किसको अपना आइडल माना, किसी को या खुद ही स्वतः? नहीं, ठीक है, जॉन अर्लट को मैं मानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री में एक बड़ा उतार चढ़ाव रहता था, मॉड्यूलेशंस उतार, आपने देखा ना जैसे मैं कमेंट्री करता हूँ तो एक लगातार उतार चढ़ाव रहता है कि आप जैसे कोई एक्साइटमेंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है आवाज़ वैसे वैसे बढ़ती जाती है, और जब एक्साइटमेंट कम होता है तो आवाज़ वापस उतर कर वहीं पहुँच जाती जहाँ से शुरू हुई थी। बिल्कुल, ये जो चीज़ें संगीत का एहसास होने लगता है जब कमेंट्री करता हूँ ना मैं, मुझे लगता है एक कंठ में ऐसा लगने लगता है कि मज़ा आ रहा है। देखिए जब आप एंजॉय करते हैं ना तो इसका मतलब ये कि आप अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सही। और देखिए हमेशा मैं कहता हूँ कमेंटेटर्स को एक बात कहता हूँ कि कमेंट्री जब भी करो तब ऐसी मीठी भाषा में करो जो सगाई और शादी के बीच में अपने होने वाली पत्नी से जब बात करते हो ना मीठी मीठी, शादी के बाद की नहीं सगाई और शादी के बीच में जिस तरह से बात करते हो उस तरह से बात करनी चाहिए, मीठी मीठी बात करो, है ना? बिल्कुल आपने सही फरमाया, और सबकी तरफ से एक शेर आपके लिए मैं पेश करना चाहता हूँ। जो आला ज़र्फ़ होते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं जिनका मकाम बहुत ऊंचा होता है जैसे आपका, जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। थैंक यू सर, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। सर दो खेलों की कमेंट्री बहुत प्रसिद्ध रही है, लोकप्रिय रही है अपने यहाँ, एक तो क्रिकेट की, एक हॉकी की। हॉकी की कमेंट्री आपको याद होगी जसदेव सिंह बोला करते थे और बहुत स्पीड के साथ वो कमेंट्री हमेशा होती थी, क्या कभी उस स्पीड ने आपको आकर्षित नहीं किया? नहीं, देखिए मैं मेरा ऐसा सोचना था कि जिस खेल को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जिस खेल को मैंने थोड़ा बहुत खेला हुआ है और जिसकी तकनीकी बातें मैं ठीक से जानता हूँ, जो खेल मेरे दिल के बहुत करीब है उस खेल की कमेंट्री करना। किंतु क्या होता है देखिए कि अब जसदीप जी जैसे अपने नाम लिए इतने बड़े कमेंटेटर हैं, लेकिन क्या होता है कि स्लिप और गली के बीच में से डॉच करती हुई गेंद, क्या होता है दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, जब आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ज़रा सा आपका कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ा कि वो फिर दूसरी कमेंट्री वहाँ पे उसकी भाषा शुरू हो जाती, तो न्याय नहीं होता है। न्याय तब होता है जब एक चीज़ वन थिंग एट ए टाइम, जैसे आप हमारे जो सनातन धर्म में भी लिखा रहता है और सब हम पढ़ते हैं धार्मिक किताबों में कि जब भी काम करो वन थिंग एट ए टाइम, जो आप एक विषय चुन लो उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करो, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो,
और उस पर मास्टरी प्राप्त करो। मास्टरी तो क्या होती है, आप हमेशा सीखते ही हो, आज भी सीख रहा हूँ। और ये हमेशा कभी भी किसी की बुराई मत करो, ये हमेशा नए कमेंटेटर्स को भी मैं कहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति में एक ऐसी विशेषता रहती है जो आप में नहीं है। तो मैंने जितनी किताबें लिखी, जैसे एक कमेंट्री पे भी ये भी किताब है, या एक क्रिकेट कमेंट्री, एक कला एक विज्ञान करके एक किताब कमेंट्री कला के बारे में लिखा है मैंने, तो वो भी एक किताब है। तो उसमें भी मैंने किसी कमेंटेटर की कभी कोई, हर एक की मैंने विशेषताओं का ही बखान किया, क्योंकि ये कोई किसी के निपटाने का प्रश्न थोड़ी है। सवाल ये है कि हिंदी के स्तर को ऊंचा उठाना है कुल मिलाकर, उसमें अपना जो भी योगदान है वो दे, हम्बल योगदान जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल विनम्र योगदान हिंदी भाषा के लिए जो कुछ कर सके। लेकिन यही है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ये तो सोचना चाहिए कि जिस भाषा में लोग बात कर रहे हैं उसका उस भाषा को बिगाड़ने के राइट्स उन्होंने नहीं बेचे हैं, उन्होंने क्रिकेट के राइट्स बेचे। तो चूंकि वो BCCI प्रोडक्शन आता है ना, जब भी आप टेलीविज़न पर देखते हैं उस पर लिखा रहता है BCCI प्रोडक्शन, तो ये देखना चाहिए। मुझे तो कोई इतना शौक़ नहीं है, अब कमेंट्री मेरे 53 साल हो गए, मैं जिसको कहते हैं ना धापा हुआ आदमी अपने यहाँ पर, जो अपनी भाषा में जो कहते हैं मारवाड़ियों के, तो कोई ऐसा बात नहीं। लेकिन तो भी एक न्याय तो होना चाहिए, न्याय के लिए हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए और निर्भय होकर बात करनी, निडरता होनी चाहिए। जैसे IPL में लोग खेलते हैं, निडर होकर खेलते हैं, है ना, क्योंकि IPL और यही तो अंतर है जो आप बात कर रही थी ना सुरभि जी, जो कि T20 क्रिकेट और इसमें क्या फर्क जी, है? मैं आपसे हाँ बात कर रही थी, मैं आप पूछना चाह रही थी कि टेस्ट मैचेस जो हैं वो हमें पेशेंस सिखाते हैं, क्योंकि दिनों दिन चलते हैं और IPL मैचेस एक ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं, 20 ओवर्स के रहते हैं, वो हमें एग्रेसिवनेस सिखाते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दोनों तरह के क्रिकेट अलग अलग तरह के हैं। तो IPL क्रिकेट तो ये सिखाता है कि भाई वक्त कम है, जो कुछ करना है आज ही कर लो। ये आज के ज़माने की थीम भी वैसी है कि यार कैसे भी करके कमा लो, किसी को धोखा देना तो भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। और बोले इज्जत क्या होती है, जो होता है पैसा होता है। ये लोग देखो, आप समाज के 90% की बात कर रहा हूँ, समाज इसी तरह से चल रहा है। ये बड़ी कुंठा का विषय है, ये बहुत सोच का विषय है। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है वो धीरज धैर्य आप कैसे रख सकते हो, फिर आपको उभरने का, फिर से उभरने का मौका मिलता है। एक पारी में आप जल्दी आउट हो गए, तो इसमें चरित्र प्रकट होता है कि आप विपरीत परिस्थितियों में साहस के साथ फिर से उठकर कैसे खड़े हो सकते हो, ये तमाम चीज़ें हैं आप सीख सकते। तो टेस्ट क्रिकेट को जितने भी क्रिकेटर से बात करो, महेंद्र सिंह धोनी से बात करो, तो सुनील गावस्कर से बात करो, सभी लोग ये कहते हैं कि भैया टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है, बाकी क्रिकेट तो ठीक है, ये खाली एक मनोरंजन का साधन है बाकी क्रिकेट तो। सबसे पहले तो जोधपुर में आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। सर, सुनील मनोहर गावस्कर का जो दौर था उसमें कोलिन क्राफ्ट, एंडी रॉबर्ट्स और माइकल होल्डिंग, ये जो तिकड़ी थी फास्ट बॉलिंग की, और वो ओपनिंग किया करते थे, तो क्या सुनील मनोहर गावस्कर के दौर की जो फास्ट बॉलिंग है उसने उनको क्रिकेट के शिखर पर पहुंचाया, या अपन उनका जब एज ए बैट्समैन मूल्यांकन करते हैं तो क्या पेस बॉलिंग जो उस स्तर की पेस बॉलिंग थी और वो जो ओपनिंग बैटिंग करते थे, तो ये दो घटक उनको सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं? और दूसरा सर मेरा ये था कि जैसे आपकी जो क्रिकेट कमेंट्री है उसमें जो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी है जिसको आपने बहुत ज़्यादा आप फील्ड में यूज़ करते हैं, जैसे वो चाहे इन स्विंग हो, आउट स्विंग हो, यॉर्कर हो, या गुगली गेंद हो, या और भी कई तरह की जो डिलीवरीज होती हैं उनके बारे में, और क्रिकेट के जो कलात्मक और शास्त्रीय जो शॉट्स होते हैं उनके बारे में भी आप उसी तरह से, मतलब क्या है कि जो बैट्समैन जैसा शॉट खेलता है और जो वैरायटी ऑफ शॉट्स है उसके हिसाब से आप उसको सारा डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने जब क्रिकेट कमेंट्री शुरू की उससे पहले क्रिकेट को बहुत गहराई से आपने शायद समझा होगा या ग्रेस्प किया होगा, क्योंकि इतना अधिकार पूर्वक किसी शॉट को कोई बैट्समैन खेलता है तो उसको मतलब क्या है कि डिस्क्राइब करना इतना ईजी नहीं होता जब तक आप क्रिकेट में पूरा गो थ्रू नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि आपने कमेंट्री से पहले शायद क्रिकेट की बहुत अच्छी शिक्षा या क्रिकेट को समझने का बहुत अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया होगा, तभी वो कमेंट्री आपकी इतनी सार्थक और इतनी गुणवत्तापूर्ण बनी। सर, थर्ड सर मेरा ये है, थोड़ा छोटा सा सवाल और है कि सर जैसे अभी एक्सेसिव क्रिकेट हो रही है, जैसे क्रिकेट के कई फॉर्मेट्स में जैसे टेस्ट मैच हैं
वनडे मैचेज हैं, 50 ओवर के मैचेज हैं, 20 ओवर के हैं, अब तो कुछ लोग कहते हैं 10 ओवर्स का भी एक कोई एडिशन आया गया नया, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जाती हो जाएगी क्रिकेट के साथ। तो इनमें सबसे अच्छा सर आपके दिल के करीब कौन सा, जैसे टेस्ट मैचेज हैं, 50 ओवर मैचेज हैं और 20 ओवर मैचेज हैं, तो ये सर दो तीन कुछ क्वेरीज थी जो मैं। देखिए टेस्ट मैच तो असली क्रिकेट तो वही है, बाकी जितना छोटा क्रिकेट हो रहा है ना संक्षिप्त लघु संस्करण, तो वो क्रिकेट क्या होता है कि मनोरंजन का साधन ज़्यादा है, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आते हैं, पैसा ज़्यादा आता है। देखिए जब मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब तक इंसान पैसे को चलाए तब तक तो ठीक है, लेकिन जब पैसा इंसान को चलाने लगता है तब समाज में मुश्किलें पैदा होती हैं। क्रिकेट में भी यही मुश्किलें हैं। आज क्या हो रहा है, पैसा खिलाड़ियों को चला रहा, थक रहे हैं, मानसिक रूप से थक रहे हैं, लेकिन खेलते जा रहे हैं, क्योंकि नहीं खेलेंगे तो दूसरा ज़्यादा धनवान हो जाएगा। ये जो बात है ना, तो ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी लगातार थोड़ा व्यावसायिक तरीके से ज़्यादा सोच रहा है, तो कुल मिलाकर इसमें एक संतुलन तो बैठाना पड़ेगा और लोगों को गहराई से सोचना पड़ेगा कि अब देखिए बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी, आप देखिए एडवर्टाइजमेंट्स किन किन कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेट, आप देखो रोनाल्डो को देखो फुटबॉल का, वो जब इंटरव्यू देने आए तो सामने देखा उन्होंने कि एक शीतल पेय की बॉटल पड़ी थी तो उसने उठा के सबसे पहले तो वो बाहर फेंकी, कि जिस चीज़ को मैं खुद नहीं लेता वो लोगों को कैसे कह सकता हूँ। तो जिम्मेदार, देखो लोकप्रिय, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि लोकप्रिय आदमी होना अलग बात रहती, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होना ये एक अलग बात होती है। तो ये कोशिश ये होनी चाहिए कुछ, ये इसके बीच में संतुलन तो होना चाहिए, कितना लघु संस्करण होगा। मैं कहना चाहूँगी कि मुझे आपकी भाषा सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखती हूँ, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी भी मैं बीच में इंग्लिश के शब्द बोल दूँ तो मुझे माफ़ करना, पर जैसे हमारी जनरेशन जो है वो इंग्लिश बोलना जैसे स्टैंडर्ड हो गया है आजकल, तो हम हिंदी खोते जा रहे हैं, और जैसे हम लोग भी गलत मुहावरों का कई बार इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कोई एक राह जिससे मैं मेरी हिंदी सुधार सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे नॉवेल्स भी पढ़ते हैं तो हम हिंदी पढ़ेंगे, हमें वेब सीरीज़ भी देखनी है तो हम इंग्लिश में ही देखेंगे, और नॉवेल भी आजकल सब इंग्लिश में ही पढ़ते हैं ज़्यादा, तो हम हिंदी तो खोते ही जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूँगी कि कैसे सुधार कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूरा ये प्रश्न पूरे समाज के लिए है जो आप बोल रही हैं ना, क्योंकि आप समाज में देखिए आज कौन सा बच्चा हिंदी पढ़ता है, कौन सा बच्चा हिंदी की किताबें पढ़ता है। अब हम तो 8वीं 9वीं क्लास में सुमित्रा नंदन पंत और सभी जयशंकर प्रसाद और सभी पढ़ते थे, आज बच्चे, मैं स्कूल में जाता हूँ कई दफ़े तो मैं क्या करता हूँ मालूम, मैं कहता हूँ कि 10 वाक्य हिंदी में लिखिए, मैं बोलता हूँ 10 वाक्य अंग्रेज़ी में लिखिए, अंग्रेज़ी के वाक्य सब सही लिखते हैं, हिंदी के वाक्य सभी गलत लिखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से भी और मात्राओं की गलती से भी। तो ये तो हालत हो गई और लोग कोई किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा, और फिर हम कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, मातृभाषा तो है लेकिन राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, वो कैसे होगी जब हम ही जिम्मेदारी के साथ उसको साथ नहीं लेंगे। और जो जितना कम अंग्रेज़ी जानता है ना वो उतना ज़्यादा तारीफ़ करता है अंग्रेज़ी की। ये मैंने देखा, वो जैसे कहते हैं ना जो सिक्का ज़्यादा खनकता है, तो वही बात है। तो हमने देखा कि हिंदी कमेंट्री की वो सबसे आलोचना, आप जो कह रही है ना लोगों में, मैं तो खास करके जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर उनको कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ने दीजिए, हिंदी लिखने दीजिए, मात्राएँ सही लिखने दीजिए। देश क्या होगा कि जैसे कहते हैं ना जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है वो मनुष्य नहीं पशु है और मृतक समान है। देखिए इंग्लैंड में अंग्रेज़ी सही बोली जाती है और पाकिस्तान में उर्दू सही बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच सही बोली जाती है, भारत में हिंदी सही नहीं बोली जाती है, हिंदी की व्याकरण गलत तरीके से इस्तेमाल होती है। तो ये एक सोच का विषय, और इसका मतलब ये कि हमें अपनी भाषा से वैसा प्यार नहीं है। जैसे अंग्रेज़ी में आप कह सकते हैं कि आई इज़ गोइंग या दे इज़ कमिंग, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कहेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी वाले आपसे नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि उन्हें अपनी भाषा से प्यार है। लेकिन हिंदी में तो चल ही रहा है, क्रिकेट खेली जा रही है, विकेट गीली हो रही है, ये तमाम चीज़ें होती तो हो रहा है, अब क्या करें। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को आवाज़ तो उठानी पड़ेगी।
नमस्ते. जस्ट इनके जैसे आई थिंक आई ऑल्सो सफ़र फ्रॉम द इंग्लिश सिंड्रोम. एंड मेरा सवाल कुछ और था, बट इनको सुनने के बाद तो आपको क्या लगता है कि क्या है रीज़न कि हम हिंदी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली बार इतनी ब्यूटिफुली सुन रही हूँ, क्योंकि हमको इतना अच्छा हिंदी सुनने नहीं मिलता. जब हम रेडियो भी चालू करते हैं तो इट्स बहुत ही केओटिक हिंदी है. इन सिंपल कैजुअल तो बहुत इजी वर्ड है. तो क्या है वो एक सवाल था आफ्टर हर. बट मेरा मेन सवाल था, जैसे आपने बोला कि आप जब छोटे थे और यू नो रिजेक्शन फेस किया आपने लाइक शॉर्ट्स में, वॉज इट इनोसेंस? वो आपका इनोसेंस था कि कुछ भी बोल दें इट्स ओके, और वॉज इट कॉन्फिडेंस कि मैं करके दिखाऊंगा? ठीक है. अब यही है कि अब एक तो दो चीज़ें होती है. एक तो एक जिम्मेदार नागरिक जब हम बनेंगे ना, हमें लगेगा ना कि हम भारत देश के नागरिक हैं और हमारी भाषा ये है, तब आप क्या उस भाषा को सीखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम उसी से अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. विदेशों में जाते हैं ना तो हम अपनी भाषा में बात करें ना. इंग्लैंड वाले आते हैं तो फिर वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं ना, वो उनको शर्म आती क्या? नहीं यार, हमें अपनी भाषा में बात करिए, फिर किसी को अनुवाद करिए, उसका जैसा भी कर सकते हैं. एक जगह मैं भाषण देने गया था ऑस्ट्रेलिया में रोटरी क्लब में, और तब मैं अंग्रेज़ी भाषा में थोड़ा लड़खड़ा रहा था, क्योंकि बोलने की आदत नहीं थी ना. लिखता तो मैं ठीक था तो, लेकिन मैंने कहा कि फिर कुछ लड़के हंसने लगे, कुछ यंगस्टर्स थे, तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग मतलब यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, वाई शुड यू लाफ? सपोज़ यू कम टू इंडिया, कैन यू स्पीक दिस मच ऑफ हिंदी एज मच आई एम स्पीकिंग इंग्लिश इन योर डोमेन? जितनी भी मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ उतनी क्या हिंदी बोल सकेंगे? नहीं बोल सकेंगे. तो आप कहा क्यों हंस रहे हैं? एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू रिस्पेक्ट यू एंड ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, यू नो वट एवर आई कैन स्पीक आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो ये बातें सुन के फिर देन नेक्स्ट डे इट केम इन द न्यूज़पेपर कि ही रियली स्कोल्डेड द यंगस्टर्स एंड दे अप्रिशिएटेड इट, यू नो. तो ये है कि अपनी भाषा से प्यार, और देखिए खुद की दिलचस्पी से आप पढ़ें, जैसे आप भाषा और सरल रखें इसको. जैसे आपने देखा ना, मैं छोटे छोटे वाक्य बोलता हूँ, लंबे वाक्य नहीं बोलता हूँ. छोटे छोटे वाक्य बोलिए, लेकिन सही वाक्य बोलिए, सही उच्चारण के साथ बोलिए, दिल को छूने वाले वाक्य बोलिए, दिल से महसूस करिए. दिल से महसूस करेंगे ना तो अपने आप अच्छे वाक्य निकलेंगे, ये आप कोशिश करिए. और ये हिंदी भाषा ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप मारवाड़ी भी बोल रहे हैं ना, मैं तो अपनी पत्नी से मारवाड़ी में ही बात करता हूँ. मेरी माँ से और अपनी पत्नी से मोहब्बत की बातें भी मारवाड़ी में ही करता हूँ. तो अपनी भाषा सबसे अच्छी भाषा होती है, तो उसमें बात करने में कोई हर्ज नहीं. और छोटे छोटे वाक्य, अच्छे वाक्य, कानों को अच्छा लगने वाले, पता लग जाता है, कोशिश करके देख सकते हैं. सर नमस्कार, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपका जो दौर था कमेंट्री का, जब दुनिया ठहर जाती थी मतलब आप बोलते थे तब, और आज जो रेडियो में कमेंट्री हो रही है उसमें क्या डिफरेंस है? और अभी भी कमेंट्री कर रहा हूँ रेडियो पे, मैं अप्रूवल लिस्ट में हूँ. मैं आप देखेंगे तो इंटरनेशनल कमेंट्री लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर है. तो खैर कोई बात नहीं, मैं जाता कम हूँ वो बात अलग है, व्यावसायिक थोड़ी वो भी है, और जाता हूँ कभी कभी, ज़रूर जाता हूँ. पहले तो क्या ग्राउंड पे जाकर कमेंट्री करते थे, अभी रेडियो की कमेंट्री आप तो जानते हैं, टेलीविज़न पर दिखाते हैं, हमको दिल्ली के स्टूडियो में बैठा देते हैं और टेलीविज़न पर दिखाकर उस पर रेडियो की कमेंट्री करते हैं. तो हमको फील्ड तो पूरी दिखती ही नहीं है. पहले जो बोलते थे तीन स्लीपर, एक गली, एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ, एक लाइन में बोल देते थे, एक मिड ऑन मिड विकेट और एक फाइन लेग, यू नो ऐसा फटाफट बोल देते थे. अभी तो दिखते ही नहीं फील्डर, वो दो स्लिप दिखते हैं खाली. तो एक बड़ा रुक जाना पड़ता है और बहुत ध्यान से कमेंट्री करनी पड़ती है. लेकिन एक फ़ायदा ये है कि बहुत नज़दीक से आप रिप्ले देखने को मिल जाता है, और बहुत नज़दीक से टेलीविज़न पर साफ दिखाई देता है. वहाँ पहले तो क्या होता था कि दूर से देखना पड़ता था, और खिलाड़ी पहचानते थे. मतलब आप देखिए, पहले आईसाइट और कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऐसा होता था, खिलाड़ियों को हम पहले ओवर में 11 ही खिलाड़ियों के नाम में गिना देता था कि कौन कहाँ पर खड़ा है. ये पहले स्लिप पर गावस्कर, दूसरे स्लिप पर वेंगसरकर, कवर पर जो भी खड़ा है युवराज सिंह या जो भी है, नाम 11 ही फील्डर्स पहचान लेते थे और पहले ओवर में ही गिना देते थे.
अभी तो कोई गिना ही नहीं पाता क्योंकि इतनी एकाग्रता रखते नहीं, इतनी दिलचस्पी भी नहीं रखते। देखिए उनके रिफ्लेक्सेस से पहचानना पड़ता कौन कैसे चल रहा है, कौन कहाँ पर साधारणतः फील्ड करता, बहुत ध्यान रखना पड़ता कि कौन कहाँ पर का स्पेशलिस्ट फील्डर। स्लिप के फील्डर्स स्पेशलिस्ट होते हैं, फास्ट बॉलर रहते हैं बाउंड्री लाइन पर रहते हैं, और जो तेज दौड़ने वाले रहते हैं वो कवर और मिड विकेट पर रहते हैं, क्योंकि भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है। तो ये सब ध्यान रख के फिर मिलाना पड़ता है, और बड़ा ध्यान एकाग्रता बिल्कुल 100% रख के काम करना पड़ता है। तो फर्क तो बहुत आ गया अभी, अब तो सब दिखता है साफ, तो उसको देख देख कर बोलो। लेकिन फिर भी वो जो बात थी ना भाषा की, जो धारा प्रवाह बोलने की बात, वो अब इसमें नहीं हो पाती क्योंकि रुकना पड़ता है, नया पिक्चर आ जाता है अचानक, आपको तो देख कर ही बोलना है ना, तो वो एकदम भाषा में रोकना पड़ता है, फिर से बोलना पड़ता, वो दूसरी चीज़ बोलनी पड़ती, तो एकदम से ब्रेक उसको सेंटेंस को कंप्लीट करके, तो वो मिठास थोड़ी गायब होती है इसमें। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल हम क्रिकेट पे हिंदी कमेंट्री जब सुनते हैं तो भाषा का स्तर काफ़ी गिर गया है और मोस्टली क्रिकेटर्स हिंदी कमेंट्री में आ रहे हैं। अभी WTC फाइनल में श्रीसंत ने कमेंट्री की, उनकी कमेंट्री सुन के मुझे ऐसा मन हुआ कि उनको लिखूँ कि ऐसी क्या मजबूरी है आपकी, जो नॉन साउथ बैकग्राउंड या जो भी है उनको आप हिंदी में करवा रहे हैं। तो सर आप जैसे नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से निकल के आपने इतनी अच्छी कमेंट्री की, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है किसी नॉन क्रिकेटर को इस फील्ड में जाना, तो कोई नया इस फील्ड में आना चाहे तो उसके लिए क्या सर बात रहेगा? देखिए इस बात पे तो काफ़ी चर्चा होती रही है, और वो उनका ऐसा कहना है कि कोई विदेशी चैनल रहते हैं ना, एक तो ये कि विदेशी चैनल होने से उनको आपकी भाषा से तो कोई प्यार नहीं है, उनको तो अपने पैसों से मतलब है, विदेश से आए हैं तो अब उनको ये है कि TRP कैसे बढ़ रही है, तो TRP बढ़ाने के लिए वो क्रिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेटर्स के नाम का। अब क्रिकेटर्स जो भाषा बोलते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से कमेंट्री होती है। एक हमारे भूतपूर्व कप्तान ने कहा कि वो बोलना चाहते दिलकश कमेंट्री, दिलकश शॉट बोलना चाह रहे थे, तो उनके मुंह से निकल गया दिलरुबा शॉट। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि यार वो मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, मैंने कहा बस और ज़्यादा गलत तो कुछ नहीं, आपने अपनी प्रेमिका का नाम ले लिया, मैं बाकी कुछ गलत नहीं कहा, अब आपको अपनी पत्नी से डांट खानी पड़ेगी। तो ये जो होता है ना, तो यही है कि क्रिकेटर्स के कारण फ़ायदे हैं तो नुकसान भी बहुत है। नुकसान एक ये भी है कि ये लोगों के हर एक का हर एक कैंप रहता है, अगर कोई दिल्ली का क्रिकेटर है तो वो दिल्ली के क्रिकेटर को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरी बात ये कि आलोचना बहुत करता है, खुद जब खेलते थे तब तो उनका औसत 12 रहता था, लेकिन वो 50 के औसत वाले को सिखाते हैं कि ऐसा नहीं खेलना चाहिए, तो ये बड़ी दिक्कत का विषय है। तो ये क्या है, इनके आलोचनात्मक बहुत रहता है, और ये क्या रहता, पढ़े लिखे तो रहते नहीं ना। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भैया पढ़ाई लिखाई का कोई विकल्प नहीं है, कोई 12वीं पास है, कोई 10वीं पास है, क्रिकेट में इंटेलिजेंस है तो क्या है? एक जो होता है ना सेंस ऑफ जजमेंट एंड सेंस ऑफ बैलेंस, कि संतुलन, आप जब कमेंट्री करें संतुलित कमेंट्री होनी चाहिए, तो वो तो आता नहीं, वो तो इंटेलिजेंस से आता है ना। इंटेलिजेंस कहाँ से, आपने पढ़ाई तो 10वीं तक की है, तो आप कैसे करोगे? तो ये चीज़ें कोई समझने को तैयार नहीं। कभी ना कभी होगा कुछ नए ऐसे लोग आएंगे, या मैं तो क्रिकेटर्स को भी कहता हूँ कि भाई आप कर रहे हो तो भाषा सीखो, समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी दिलचस्पी लो, अपनी अपनी अपना निर्वाह करो, अपना जो भी जिम्मेदारी आपको सौंपी है, और सीखोगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओ, क्योंकि क्रिकेटर्स हो, हम लोगों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप तो ऐसे ही बढ़ जाओगे। तो कई लोग अब वर्कशॉप्स वगैरह आयोजित करने लगे हैं। अब हम लोगों के वर्कशॉप्स की तो यह हालत है कि एक बार छोटा सा किस्सा, टाइगर पटौदी और हम सब बैठे थे 1996-97 में जब वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, तब उसके पहले हमें कमेंट्री के लिए 1987 का वर्ल्ड कप की बात है, फाइनल मुझे ही दिया था उन्होंने कमेंट्री करने के लिए, तो एक वर्कशॉप होते थे उस समय, अनिल अंबानी खुद वर्कशॉप लेते थे वो सारे, उनकी तरफ क्यों रिलायंस वर्ल्ड कप था ना, तो उस समय एक बार बात चल रही, बिशन बेदी भी थे, नरोत्तमपुरी भी थे, और अब्बास अली बेग, जैसे मामा, सब थे, और उस समय बात चल रही थी कि तब किसी ने प्रश्न उठाया कि पिच गीला होना चाहिए या पिच गीली होना चाहिए, इस पे 2 घंटे का डिस्कशन शुरू हो गया। तो टाइगर पटौदी को आ गया गुस्सा, आखिर उन्होंने कहा कि इतनी बातें क्यों कर रहे हो यार, पिच का कवर उठाकर देखो कि गीला है कि गीली है। तो ये तमाम क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकलिटी भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये तमाम चीज़ों का सम्मिश्रण होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप लोग कम से कम इस विषय में सोच रहे हैं। क्या होता है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, हम लोग इसलिए नहीं उठाते हैं आवाज़, हम तो जहाँ
बोलते हैं वहाँ कहते हैं, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं खुद कमेंट्री करने में, कर रहे हैं हम तो जहाँ भी बुलाते हैं रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी यही रहती है कि हिंदी के लिए जहाँ भी बात होती है उसके लिए मैं हमेशा हमेशा आगे रहता हूँ। सूर्य नगरी में आपका स्वागत। आवाज़ के जादूगर 5:30 बजे उठ के रेडियो चालू करके सुनते थे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से मैं सुशील दोषी बोल रहा हूँ। क्या मधुर आवाज़ थी, कितना आनंद आता था, वो दौर था। सर एक मेरा प्रश्न है, क्रिकेट के अंदर जिस तरह से राजनीतियों की एंट्री हो रही है, चाहे जय शाह हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, हमारे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन वैभव गहलोत जी हो, इससे आपको नहीं लगता सर क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? और दूसरा, IPL जब चल रहा है और IPL वाले तो उनका टीम में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जो घरेलू क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रन बना रहे हैं वो बेचारे टीम से बाहर रहते हैं। और ऐसे खिलाड़ी जब टीम में आते हैं, जैसे अभी एक भरत विकेट कीपर भरत जी, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जब देश की बात आती है, जब भरत जी से तो ईशान किशन बहुत अच्छा प्लेयर था, तो क्या उसको लिया जाना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए? देखिए, एक दो चीज़ें होती है, एक तो आपकी प्रतिष्ठा और दूसरी चीज़ होती है आपका फॉर्म। आज आपका फॉर्म कौन सा है? दुनिया भर में क्या होता है, करंट फॉर्म को देखा जाता है, लेकिन भारत में क्या होता है कि भारत, मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट में नाम नहीं खेलता, आपको खुद खेलना पड़ता है। आपका नाम अगर सुनील गावस्कर है तो ऐसा नहीं कि सैकड़ा अपने आप टंग जाएगा, या आपका नाम सचिन तेंदुलकर है तो सेंचुरी नहीं टंग जाएगी, आपको सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर की तरह खेलना पड़ेगा और हर दिन अपने आप को चुनौती के साथ अपने नाम को साबित करना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये तो है, मतलब ये बात सही है आप जो कह रहे हैं। नमस्कार सर, मैं लविंदर सिंह। सर आपसे सवाल तो नहीं पूछना चाहूँगा, बट आपको एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश करना चाहूँगा। हमने आपकी आवाज़ को रेडियो पर खूब सुना है, आज हम आपकी आवाज़ को वही कमेंट्री अगर हम लाइव भी सुन सकें तो सौभाग्य होगा हमारा। तो एक दो मिनट की अगर आप कोई कमेंट्री हमें सुनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कुछ इमेजिनरी कमेंट्री करते थे हम पहले, अब तो नहीं करता हूँ मैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं, मैं करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन कर सकते हैं आप। जी, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूँ। आप तो जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आज पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, होटल की खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट से लगाकर टैक्सी चालक तक सभी ये बात कर रहे हैं कि आज क्रिकेट में क्या होने वाला है। और यहाँ पर मैच की तैयारी हो रही है, भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सुनील गावस्कर और चेतन चौहान विकेट पर पहुँच चुके हैं, गावस्कर स्ट्राइक ले रहे हैं और इमरान खान पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं। बहुत लंबा रन अप लेते हैं, दुनिया जानती है बहुत तेज़ गेंदबाज हैं, पवेलियन की तरफ से वो तैयार हो रहे हैं गावस्कर को। पूरा स्टेडियम खचाखच भर गया है, दर्शकों में एक रोमांच पैदा हो गया है और इमरान तैयार हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गावस्कर को और गावस्कर आ गया है, हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से 4 रन के लिए। That was fabulous. हम सभी जने चाहते हैं कि आज की शाम यूं ही चलती रहे, लेकिन समय का अभाव है तो आज हमें अब ये बंद करना होगा। बहुत 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 धन्यवाद सुशील दोषी साहब, आपने इतनी खूबसूरत शाम सजाई। मैं यहाँ बैठे हर क्रिकेट प्रेमी के ओर से कह सकती हूँ कि काश ये शाम यूं ही चलती रहती, हम बातचीत करते रहते, आपको सुनते रहते, और जो आपने लास्ट में सुनाया उससे तो मज़ा आ गया। हमारा खास धन्यवाद एहसास वुमन ऑफ इंदौर सुरभि दुपर जी का, जिन्होंने इतनी सहजता से इस कार्यक्रम का खूबसूरत संचालन किया और अहम सवाल पूछे। जोरदार तालियों से आप दोनों का आभार। आखिरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कॉमेंट्री की तरफ ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मुझे पान की दुकान लगानी पड़ती और ये कॉमेंट्री कर। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जिन्होंने आज के कार्यक्रम में इतनी पेशेंस और इंटरेस्ट के साथ भाग लिया। आपके सब इंटरेस्टिंग अहम सवाल बहुत अच्छे रहे। हम
आधा घंटा एक्स्ट्रा आज हमने कार्यक्रम को चलाया, हमारा प्रोग्राम 7 o'clock फिनिश हो जाता है, आज 7:30 तक चला बिकॉज सबको इतना इंटरेस्ट आ रहा था। मैं अब जोधपुर के सबसे सीनियर क्रिकेट फ्रेटर्निटी के सबसे सीनियर हैं लोकेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि मैं मंच पर पधार कर सुशील दोषी साहब का स्मृति चिन्ह भेंट करें और उनका सम्मान करें। आप सबसे निवेदन है कि आप पंक्ति में आकर सुशील जी से अपनी किताब पर साइन करवा कर अपनी प्रति प्राप्त करें। प्रभा खैतान फाउंडेशन और एहसास वुमन ऑफ जोधपुर की ओर से आप सबको एक बार फिर धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री सीमेंट और ताज हरी महल।